सीधा इधर था, आगे था, उधर था, कौन उधर वही लगा थे। चला चला जल्दी चलो, दौर के सत्संग का समय हो गया, सब लोग सामने आके बैठो, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सत्संग सामने बैठ के सुनोगे तो तुम्हारे मन पर वचनों का असर पड़ता है, तब ये मन कबूल करता है कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे तो मन किसी से मानने वाला नहीं है, और इसको किसी ने मना भी नहीं पाया, न ऋषियों ने, न मुनियों ने, न योगियों ने, महर्षियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने। इसने सबको अपने अनुसार चलाया, जब जैसी इसका इच्छा हुई आपके शरीर को साथ में लिया और फिर से अपनी इच्छा पूरी कर ली। जब काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा में लगा दिया आपके शरीर को, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा में, लोमो अहंकार की इच्छा हुई तो लोमो अहंकार में लगा दिया। और हम आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते, अब आपके अंदर बैठा है, इधर उधर नहीं, अंदर ही बैठा हो, सारी हरकत अंदर किया करता है। इसको तो संत महापुरुषों ने पकड़ा है, जो वो इस कलयुग में आए तो इस मन को ही कैद किया उन्होंने, कहा ये मन तीन तरीकों से मानेगा, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये तीन रास्ते मन को नियंत्रण कंट्रोल में करने के लिए, और तीनों रास्तों पर जब आप चलोगे तब ये तुम्हारे अधीन हो जाएगा, फिर ये तुम्हारे अनुसार चलेगा। अभी हम आप इसके अनुसार चलते हैं, फिर ये तुम्हारे अनुसार चलेगा, लेकिन सत्संग नहीं करोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि समझौती सत्संग ही है। इस मन को सत्संग ही समझाता है, क्योंकि वो संत महापुरुषों के वचन है, जब इस पर पढ़ते हैं तो ढीला हो जाता, क्या ये बचनों की मार से तो मरता है, और किसी की कोई मार, कोई मतलब यानी अम्बम डाल दो, कोई बाहर का औजार प्रयोग करो नहीं मानता। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा, जाके लगी सत की चोट, जो भय सतगुर की ओट। जिन्होंने सतगुर का सहारा लिया और इस नाम को आगे रखा, तो ये नाम बाण है, बाण की तरह इस मन को बिल्कुल सीधा रखता है। फिर ये धीरे 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 धीरे
चलते चलते सुनते सुनते फिर ये ठीक हो जाता, ठीक हो जाएगा तो आपका सहयोग करने लगे। लेकिन ऐसे आपको इससे सहयोग लो तो नहीं, क्योंकि इसने सहयोग लिया आपसे। ये तीन तीन युगों से हम आप इसी का तो कहना मानते हैं। जो ये सोच लेता है, जिधर करना चाहता है, जो मतलब यानी मांग रहा हो सब आप इसको देते रहते हो। जिसको सब चीज मिलती रहेगी वो क्यों भी तुम्हारी बात मानेगा, वो तो तुमको अपनी बात मनवाएगा, अपने कामों में लगाएगा। तो हम सब के सब मन के अधीन रहे, मन किसी के अधीन नहीं रहा। संत महापुरुषों ने ये किसी क्रिया को उलट दिया कि हम लोग मन के अधीन है, जब उनके सत्संग वचनों को सुनोगे और सेवा का भाव बन जाएगा तो ये फट से भजन में लगने लगेगा, तब ये तुम्हारे पीछे हो जाए, तुम्हारे अनुसार ये जो तुम कहोगे करेगा ये। तो जब जब संत महापुरुष इस संसार में आए तो उन्होंने रास्ता बताया, इसके पहले तो रास्ता ही नहीं था। इसके पहले लोग यही नहीं जानते थे कि मन को भी समझाया जा सकता है, या मन क्या कभी समझता है, या मन को किसी ने क्या समझा पाया है, इसके समझाने का कोई मसाला है कि नहीं है। ये तो जब कलयुग में संत बना रहे हैं उन्होंने रास्ता खोल दिया कि मन को समझाया जा सकता है, जीवात्मा को जगाया जा सकता है, मालिक से मिलाया जा सकता है। कहा उसकी युक्ति, उसी युक्ति को नामदान कहते हैं। ये नाम का रास्ता ये युक्ति है, इसके अतिरिक्त कोई युक्ति नहीं। तुम कितने भी साधन कर डालो शरीर के, कितना कुछ ही मतलब यानी कोई योग कर डालो, कुछ भी करो, लेकिन ना तो जीवात्मा जगेगी न मन कंट्रोल में हुआ, तो ये सब व्यर्थ रहा, इसका मतलब कुछ नहीं निकला। तो कहने का मतलब है कि संत नाते जगत में तो जन्मता संसार, अगर इनका आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को जन्म मरण से कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं था। देखो कितना बड़ा काम हुआ। अब उस काम को धीरे 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 जब करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तब आपकी समझ में आने लगेगा, और जब करोगे नहीं तो कुछ नहीं समझ। ये पढ़ने पढ़ाने से नहीं कुछ होता है, वो तो दूसरों का लिखा है, पता नहीं उन्होंने किस स्थिति परिस्थिति में लिख दिया, क्या समस्या उनके सामने रही होगी तब उन्होंने ऐसा लिख दिया। लेकिन आज की समस्या कुछ और है, आज की स्थिति परिस्थिति कुछ और है। तो आज की स्थिति परिस्थिति को जिसने जाना और उसी ने जो व्यवस्था बनाई उस व्यवस्था से आज का काम हो जाएगा। तो संत महापुरुष समय से आए, उन्होंने जब देखा कि घोर कलयुग हो गया, अब मतलब कोई मदद करने वाला है नहीं, और इंसान को सही सच्चे रास्ते पर चलाने वाला कोई नहीं, और जीवात्मा को जगाने वाला और परमात्मा के पास पहुंचाने वाला कोई नहीं, तब उन्होंने अपना पदार्पण किया। लाग दया कोमल चित संता, जब संतों के हृदय में दया उठी, अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को काल माया के कर्मों के जाल में फंसा देकर लेने के लिए आ गए, और तमाम तरह से परिचय कहा, चलो अपने घर चलो अपने घर चलो, ये तेरा घर नहीं है, ये तो काल माया का देश है। तो उसको जब यहाँ भेजा गया था तुम्हारी इच्छा के अनुसार, मैंने तो बहुत मना किया लेकिन तू नहीं मानी, कहती नहीं नहीं नहीं, भेज दिए एक बार तो बड़ी इच्छा देख लेगी। जब तुझे भेजा गया तो तुझसे कहा गया था, देख तू जा तो रही है सबसे नीचे काल माया का देश, सबसे खराब, वो पाप पुण्य की मिलौनी रचना है, तू समझ नहीं पाएगी, और उसी पाप पुण्य की मिलौनी रचना में तुमको फंसा लेगा, फिर तुम वापिस कभी नहीं आ सकोगे। इसलिए ऐसा करना, ये नाम डोर सत्य डोर को पकड़ो, इसे संभाल के रखना। कितना कोई कुछ कहे, किसी के लोभ और लालच बहकावे में मत आना, जब नाम डोर को पकड़ी रहोगी तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन काल भी इतना होशियार है, जब जीवात्मा यहाँ पर आई तो उसने कहा, अरे भाई अपने देश से आई हो, क्या लेके आई हो, जरा मैं भी देखूं भाई तुम्हारे देश में क्या था, क्या लेके तुम आई हो। उस समय हमारे सबके पास सच्चाई ईमानदारी
प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार थी, संयम त्याग बैराग अच्छा खान पान अच्छी संसोबत अच्छे कर्म सब थे। तो काल ने करे फेंकी सामग्री तो बहुत दिनों से लिए, जरा मेरा सामान ले ले, मेरे देश में आई है तो मेरा भला सामान ले ले। हम सब जीवात्माओं ने सोचा कोई अच्छा सामान देगा तभी तो कह रहा मेरा सामान ले लो, क्योंकि यहाँ के सामान का पता नहीं था उसको, वो सत्य देश से आई थी, वहां सब सत्य ही था, कोई झूठ तो था नहीं। तो उसकी इच्छा हुई भाई दे दीजिए, अगर तुम दे रहे हो तो कैसे नहीं, पहले अपना वाला फेंक दो, अपना वाला फेंकिए, एक ही चीज तो ले पाओगे, चाहे अपना वाला रखो चाहे हमारे वाला रखो। तो कहा कि चलो ये तो बहुत दिनों से पकड़े हैं, हो सकता है इससे कोई अच्छा सामान वो दे, ऐसा समझकर अपना वाला हमने आपने फेंक दिया, हमारे पास क्या हो, सच्चा ईमानदारी वाला फेंक दिया। तो उसने कहा तुम मेरा सामान लो। तो कहा भाई काल का सामान क्या है, कहा ये झूठ, क्योंकि उसने झूठ कभी बोली नहीं थी। तो क्या समझती झूठ अच्छा कि खराब, वो समझता भाई यहाँ का है और यहाँ आई हो चलो इन्हीं का सामान ले लो, कहा ये झूठ, ये छल और कपट, ये हिंसा मारकाट, ये अशुद्ध खान पान, ये व्यभिचार कुचार, जितनी गंदगी यहाँ की थी उसने सब पकड़ा थी। अब वो बेचारी गंदगी कभी पकड़ी नहीं थी, उसे क्या मालूम गंदगी है, वो समझता भाई यहाँ का यही सामान होगा अच्छा सामान होगा तो ले लिया। अब काल ने दिया तो हमने आपने ले लिया उसको, जब ले लिया तब उसी कर्म में हम आप लग गए कि जरा करके देखे भाई क्यों दिया इसने। तो कभी अनुभव के लिए, कभी अच्छा किया कभी बुरा किया, कभी पाप किया कभी पुण्य किया, कभी सुख किया कभी असुख किया, ये सब करते करते उसने कर्मों के जाल में फंसा लिया, क्योंकि जो हमने आपने किया तो उसका फल वो करना पड़ेगा, ये उसे कुछ मालूम नहीं था, वो सत्य देश की थी, झूठ देश है। अब झूठ का मसाला उसने दे दिया, वो बेचारी क्या समझे इसको। लेकिन जो उसको कहा गया था कि तू नाम डोर सब डोर को मत छोड़ना, अपने सामान को अपने रास्ते को मत छोड़ना, अगर रास्ता तू छोड़ दिया भूल गई तो फिर यहाँ इधर आ नहीं पाएगी, इतने बखेड़े वो खड़ा कर देगा, क्योंकि उसको फंसाने का उसके पास सामान बहुत है, कितना सामान तरह तरह का, जैसे बच्चे को बहकाने के लिए तमाम तरह के खिलौने आप पकड़ा देते तो बच्चा चुप होता है, इसी तरह से उसने जितने खिलौने यहाँ बनाए थे भोगों के वो सब पकड़ा दिए, और हमने आपने सारे भोगों के खिलौने पकड़ लिए और उसी में खेलने लगे। जब वो भोगों के खिलौने में खेलने लगे तो धीरे धीरे उसकी हैबिचुअली हो गई, आदती बन गए, फिर धीरे धीरे अब बगैर उसके बच्चा रह नहीं सकता। जब रोने लगा फट से खिलौना पकड़ा दिया, तो रोने लगा फट से खिलौना पकड़ा दिया, ठीक इसी तरह से मन की स्थिति हुई। जब मन बेचैन हुआ फट से कोई नया फार्मूला इसको भोगों का दे दिया, ये राज का है, ये पाठ का है, ये धन का है, ये दौलत का है, ये मान का है, ये सम्मान का, ये अधिकार का, ये पत्नी का, ये बच्चों का, इसका सब पकड़ा दिया। और जब सब हमने आपने पकड़ लिया, अब अपना वाला तो छूट गया, उसका वाला पकड़ लिया, अब जब पकड़ लिया तो उसी को हम अब करने लगे, करते 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 उसने इतना फांस लिया कि अब वो निकलना मुश्किल। जब कोई काम को इंसान करने लगता तो आदत बन जाती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, फिर उस आदत के हम बसीभूत हो जाते हैं, जब तक उस कर्म को करने लें तब तक चैन नहीं आता, धीरे 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 करके ऐसे फंसा लिया, और इतना फंसा लिया कि हम सब भूल गए कि हम कहीं और कहीं से आए थे, किसी के साथ आए थे, किसी ने हमको अपना मित्र बनाकर साथ आई थी, वो सब कहाँ चली गई सब भूल गए। और जीवात्मा उधर इंतजार कर रही, अरे भाई कब उधर से आएगा, कब उधर से आएगा, हम परे घर जाएंगे इसको परे घर पहुंचा दे, क्योंकि हमने वादा किया था बगैर तुमको साथ लिए वापिस नहीं आऊंगी, बस इसी वचनबद्धता में फंस गई, अब इंतजार करी इसको यहाँ फंसा नहीं, ये भोगों में गोते लगा रहा, और गोते लगाते लगाते इतना अभ्यासी हो गया कि बगैर उसके उसको चैन नहीं आता, कि जब तक वो कर ले तब तक चैन नहीं पड़ती। अब जब किसी चीज की हम आदत ही बन जाते हैं तो जब तक वो आदत पूरी न हो तब तक चैन नहीं पड़ती, बगैर उस आदत को पूरे कर हम रह नहीं सकते।
ये है फंसाव। इसी फंसाव के विस्तार में कैसे जीव फंस गया और कितना समय निकल गया, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, कलयुग भी कितने निकल गए, लेकिन इस फंसाव से अलग नहीं हो पाए, क्योंकि अलग कराने वाला कोई आया नहीं, अलग की बात बताने वाला कोई नहीं आया। क्या इससे कभी अलग हो सकते हैं या इससे छुटकारा कभी मिल सकता है, ऐसा भावी खत्म हो गया। अब तो ये अपनी मौत से आगे नहीं तो यह कुछ होने वाला नहीं था। अपनी मौत से आए, अपनी मौज मर्जी से वचन सुनाए, अपनी मौज मर्जी से इसको मोड़ा और मोड़ करके इसके घर पहुंचाया। कितनी बड़ी हमदर्दी है यह संत महापुरुषों की। इस हमदर्दी को हम बिल्कुल भूल गए कि हमारे ऊपर किसी ने हमदर्दी की है, ये दया की है, हम यहाँ फंसे पड़े थे, हम बुलाना भी नहीं जानते भाई किसको बुलाए, इस फंसाव से कौन निकालेगा कुछ नहीं मालूम। तो धीरे 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 ये वाली व्यवस्था सब बिगड़ती चली गई, इतनी बिगड़ गई कि हम सब भूल गए किधर से आए थे, क्या और वहां फिर कभी पहुंच सकते, सब याददाश्त उसने एकदम भुला दिया। इतना भुलैया भूल भुलैया में डाल दिया कि हम सब भूल ही गए, कुछ नहीं पता। अब बेचारा फंस गया, जब फंस गया तो समझने को चाह नहीं आया, तब कहते कि समर्थ मालिक को दया उठे कि मैंने सुरतो जीवात्मा को भेजा था, अभी तक तो वापस क्यों नहीं लौट के आए। कहा निश्चय काल ने कोई चाल चली है और उसने अपने कर्मों के जाल के चाल सबको फंसा लिया, चलो उसको लेके आए, ऐसे तो आ नहीं सकते। तब कहते वो लेने के लिए आए, जब लेने के लिए आए देखा यहाँ तो बहुत फंसी पड़ी है और वो समझ भी नहीं पा रही कोई हमको लेने आया, जो लेने आया ये हमारे से आया, से आया हमारे लिए आया, केवल मतलब स्पेशल हमारे लिए आयो, ये भी जानकारी नहीं थी। तब उन्होंने जब सत्संग सुनाना शुरू किया, धीरे 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 पूरा परिचय दिया जहाँ तू फंसी है, फिर जहाँ की तू है वो भी परिचय दिया, दोनों परिचय दिए। जब दोनों परिचय सुने तब धीरे धीरे सोचने लगी बम्बई बहुत अच्छे देश के रहने वाली हूँ, जहाँ कोई किसी तरह की गंदगी नहीं है, कोई कर्मों का खेल वहाँ है ही नहीं, कोई आया माया वहाँ जा नहीं सकती, कोई काम करो लोग अहंकार उधर रहते नहीं है। जब धीरे धीरे महापुरुषों ने सत्संग सुनाया और सुनते 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 तब इसकी बेहोशी खत्म हुई, जो बेहोश था मतलब यानी मन, इसकी बेहोशी खत्म हुई। तब वो बच्चों को पकड़ने लगा और पकड़ करके कहा ठीक है ठीक है ठीक है। जब बच्चों को पकड़ा और पकड़ के जब खड़ा हुआ तब उसको होश आया कि ये निश्चित है कि मैं इधर फंसा था, अगर ये ना आते तो मैं कभी निकल ही नहीं पाता, पता नहीं कितने जन्म ऐसे चले जाते, कितने युग और समय निकल जाता, कुछ नहीं होता। तो जब आए तो देखा कि कर्मों के जाल में सब फंसे पड़े। जब उन्होंने संदेश देना शुरू किया, अरे भाई चलो 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 अपने घर चलो, तुम दोनों यहाँ फंसे पड़े हो, तुम दोनों का यहाँ घर नहीं है, तुम दोनों एक मुसाफिर हो और मुसाफिर के रूम में रह रहे हो और द्वार रहे तो उसमें रहने भी नहीं देता, जिन शरीरों में गए कर्मानुसार शरीरों में भी रहने उसने वहां भी मतलब यानी अवधि बना दी, समय निश्चित कर दिया कि इतने साल तुम पशु योनि में और इतने साल पक्षियों की योनि में, इतने साल जंगली जानवरों की योनि में, इतने वर्ष कीड़े मकोड़ों में, ऐसे तुम यानी आते जाते रहोगे, उलटते पलटते उलटते पलटते रहोगे, क्योंकि जो इधर के कर्मों से निकालने आएगा वो इस फंसाव से निकाल सकता है, इस जन्म मरण से छुटकारा दिला सकता है। न तुम्हारा जन्म होगा न तुम्हारी मृत्यु होगी, जब यहाँ आओगे नहीं, क्योंकि जब यहाँ नहीं आओगे तो जन्म मरण का सवाल ही नहीं उठता, कष्टों का सवाल नहीं, पाप पुण्य का कोई सवाल नहीं, शुभ अशुभ का भी कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये गंदगी सब इधर ही है, उधर पाक साफ निर्मल पवित्र देश जहाँ की ये सुरत जीवात्मा रहने वाली है। तो जब संत महापुरुष अगर ना आते तो ये राज्य नहीं मिलता,
हम लोग समझते नहीं, ऐसे जन्मते मरते रहते, हम समझते थे यही सब कुछ है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, समृद्ध तथा दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस निमिषारण की तपोभूमि होने पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरु प्रेमियों, गुरु परिवार के रहने वाले गुरासिक, गुरु भक्त, गुरुमुखी, ये अवसर बड़े भाग से मिलता है। पहले तो ये अवसर किसी को मिला नहीं, क्योंकि अवसर देने वाले आए नहीं थे, तो ये अवसर देता को ना को, जो आए वो फंसने वाले फंसते रहे, फंसते रहे, फंसते रहे, कोई नहीं निकल पाया। देखो कैसा उसने जाल बनाया, जिनको हम अच्छा कहते हैं कि ऋषि हैं, मुनि हैं, ये तपस्वी हैं, जंगल में तपस्या करते हैं, भोगों से बहुत दूर रहते, लेकिन निकलने काल ने इनको भी नहीं दिया, इनको भी फंसा के रखा, कहा तुम तपस्या करो तो राजा बन जाओगे, जब तपस्या करोगे तो राजा बन जाओगे, क्यों उसने बना दिया कानून, तब से राज और राज से नरका, जब तपस्या करोगे तो राजा बन जाओगे और राज का भोग करोगे तो नरक में चले जाओगे, क्योंकि भोग ही नरक में जाने का कारण है, तो रसोई चले जाओगे, तो समझते थे राजा बन के बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन ये नहीं समझ कि मिल कहाँ रहा, मिला कहाँ है, वो तो यहीं पर रहने का जा रहा, चाहे राजा बना दे, धनी मानी बना दे, गरीब बना दे, अमीर बना दे, हिंदू बना दे, मुसलमान बना दे, मतलब कोई बना दे, लेकिन वो रखेगा यहीं पर, क्योंकि उसने कहा भाई हमारे देश में आए तो हमारे देश में रहो, जो चाहो हम तुमको देंगे, लेकिन हम लोग समझते थे कि हमारी व्यवस्था हो रही है, लेकिन ये नहीं समझ रहे थे कि अपने कर्मों के जाल में फंसा रहा हमको, ये फंसाने की व्यवस्था है। जब ज्यादा समय फंस जाओगे, किसी चीज की आदत बन जाएगी, तो फिर उस आदत में गहराव रह नहीं पाओगे, बस यही फंसने का कर्म, उसको आपको आदत ही बनाना है, काम की आदत, क्रोध की आदत, लोभ की आदत, मोह की आदत, अहंकार की आदत, ईर्ष्या, राग, दोष, ये सब आदत, इन आदत किसी एक में फांसने का निकल नहीं पाओगे, जैसे काम की आदत में सबको फांस दिया, अब कोई नहीं निकल सकता, सारी सिटी एक काम की आदत से तो तैयार हुई, इतना बड़ा काम का जाल है, कहते हैं इससे तो कोई निकल ही नहीं सकता। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि और तारीफ से किया, ज्ञानी विज्ञानी नहीं निकल पाए, तो हम सब कलयुग के कमजोर गंदे जीव कैसे निकल पाए, हमारे पास निकलने की शक्ति भी नहीं, युक्ति भी नहीं, तरीका भी नहीं, कुछ। जब जब सब फंस गए तब कहा बात क्या है कि क्यों जीवात्माएं आप वापस क्यों नहीं आएंगे, भाई हमसे तो वादा करके गए थे देख करके वापिस आ जाएंगी, वो अभी तक नहीं आ पाएंगे, अब तो मालूम तुमको सब है, लेकिन हम सब जीवों को बताने के लिए बिल्कुल अज्ञान अज्ञान बन जाते हैं, कहते चलो चल के देखे कि भाई क्यों नहीं आई, क्या बात, तो आया देखे आगे सब फंसी पड़ी, जब उनको बता रहे वो सुनते भी नहीं, वो यही नहीं समझते यही हमको लेने आए या यही हमको अपने घर पहुंचाने के लिए आए, वो इस बात को भूल गई और भूल गई इतनी ज्यादा कि उनकी बात भी नहीं सुनती, वो सुना रहे वो मुख मोड़ रही, मन भी मुख मोड़े बैठा, वो बिल्कुल सुनने को तैयार है नहीं है। अब आप सोचिए कितनी मेहनत की होगी, कितना परिश्रम हमारे आपके मन के साथ किया होगा कि सुना 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 करके सत्संग सुनाया, फिर उसको सेवा का भाव पैदा किया, सेवा में लगाया, ताकि जो इसने शरीर से किया ये कर्म कर जाए, उतर जाए तो ही जा पाएगा, तो ये भी कराया और इसके बाद जीवात्मा का आधार बता दिया,
कि भाई नामदान दे दो उसको, यही नामदान तो पकड़ के आई थी और इसको छोड़ दिया, चलो इसको फिर से पकड़ा दो और इसी से जा सकती है और कोई तो उधर कोई वाहन थोड़ी चलता, कुछ पर बैठ के आप चले जाओ, वो केवल नाम का ही जहाज है। अब उस नाम जहाज को जब लगाएंगे तभी तो जीव फिर ये समझे कि नाम जहाज हमारे लिए लगा, हमको घर ले जाने के लिए लगा, नहीं ऐसे कोई बैठेगा भी नहीं, कहा कि कोई नहीं बैठ पाया। वो तो सामने आपके प्रमाण है कि 45 करोड़ जीवों को नामदान दिया गया और नाम बेड़े का परिचय दिया गया, लेकिन कितने बैठ पाए उस पर? कोई नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? पहले उन्होंने कहा, नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सूर, कहा कोई सूर भी बैठेगा, ये कामी क्रोधों में भी आलसी नहीं बैठ पाएगा उस पर, क्योंकि इतना पाक साहब निर्मल पवित्र वो जहाज है जिस पर केवल पाक साहब निर्मल पवित्र जीव ही बैठेगा, बाकी गंदे संदे जीव को दूर ही बैठाना जाएगा उस पर। अब जब तक सेवा के द्वारा सत्संग सुना करके सेवा का भाव पैदा नहीं करेंगे, सेवा में जीव को नहीं लगाएंगे, तब तक ये शारीरिक कर्म कैसे उतारेगा? और कोई तरीका है नहीं। जो जो हमने आपने शरीर से इंद्रियों से मन बुद्धि चित्त को लगा कर जो भी किया, अच्छा किया बुरा किया पाप किया पुण्य किया, वो सबका निवारण सेवा ही होगी, है तो भजन भी, लेकिन भजन आप कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा मन भजन में साथ देता नहीं, क्योंकि मन भजन का अपना आधार समझ ही नहीं रहा, वो थोड़ी समझता कि भजन ही हमको उधर ले जाएगा, इसलिए उस पर गौर ही नहीं करता। अब उधर काल बराबर लगा हुआ तुमको समझने भी नहीं देगा, वो जानता है कि अगर सब समझ जाएंगे और सब जाग जाएंगे और सब खड़े हो जाएंगे तो सब चले जाएंगे, तो फिर हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। वो अपना राज चलाने के लिए कितनी फरेब कर रहा, कितने चाल चल रहा, कैसे कैसे व्यवस्था फंसाने की बना रहा, किसी तरह भाई ये बना रहे, तो आदमी रह जब भी सकता जब उसके अनुसार कोई वातावरण माहौल कोई बने, उसके अनुसार सब चीजें मिल जाए, आवश्यकता की जरूरत है तो बना रहेगा वो, तो उसने ये सब जाल बना लिया फंसा लिया। जब महापुरुष आए तो देखा कि ये तो सब फंसे पड़े और कोई सुनता भी नहीं, एक तो ये फंसे इनको कोई निकालने वाला नहीं और निकालने की बात करते हैं सुनता नहीं, तो कितनी मेहनत की होगी अब समझिए आप। जैसे यानी कक्षा एक के बच्चे को पढ़ाना कठिन है क्योंकि अज्ञान है वो, उसको पढ़ाना बचाना बड़ा कठिन है, उसके लिए एक नई व्यवस्था है पढ़ाने लिखाने की, उसके लिए एक नई व्यवस्था है जो उसने कभी की नहीं, तो बड़ी कठिनाई होती थी और जो पढ़ जाने उनको सिखाने देने, लेकिन बिना पढ़े को पढ़ाना कठिन है और पढ़े लिखे को समझाना सरल है, वो तो मान जाएगा, लेकिन जो अनपढ़ है वो बेचारा कैसे मानेगा, उससे मानवा नहीं है कि पढ़ा रहा मेरे लिए पढ़ा रहा, ये शिक्षा मेरे लिए है या जो भी ये कह रहा ये हमारे लिए हमको बनाने की बात कह रहा, ये तो बड़ी देर में समझ में आएगी। इसी को कहते हैं सत्संग में समय लगा, इतना समय लगा कि सब के सब बेचारे भ्रमित हो गए। अब जब मालिक यहाँ आया तो उसने देखा कि तो हमारी सारी रूह जीवात्माएं फंसी पड़ी, इनको तो कोई विश्वास नहीं और मैं कहता हूं तो ये सुनते नहीं, तो क्योंकि काल ने चाल चल के जो मैंने आधार इसको पकड़ाया था नामदान नामडोर, वो तो काल ने छीन ली पैदा के, अब ये बिल्कुल नीचे वो भी कुछ इसके पास है ही नहीं, तो कहते बिना नाम के जीवात्माओं का आधार नाम, और बगैर नाम के न रह सकती न चल सकती, और नाम ही शक्ति भंडार है। कहते नाम अमीरस, नाम से अमृत चूता है, जो नाम महापुरुष देते हैं उससे अमृत चूता है और अमृत जीवात्मा का भोजन है, जब अमृत उसको मिलेगा और भोजन मिल जाएगा तो बलवती हो जाएगी, शक्ति आ जाएगी, अपने देश को चलने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन ये शक्ति दे कौन गा है, यहाँ तो कोई दे नहीं सकता, तुम सुना सकते हो दे नहीं सकते, जैसे हम आपको सुनाए कि रसगुल्ला मीठा होता मुलायम होता लाल होता,
कि आप संतुष्ट हो जाओगे। कुछ देर के बाद यही कहोगे, अरे भाई सुनाना है कुछ, खिलाना बनाना भी है। सुनाने से कहीं भूख मिटती है, सुनाने से कहीं इच्छा तृप्त होती है, सुनाने से कहीं संतुष्टि होती है। इस तरह से जब तक देने वाला नहीं आएगा कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ कुछ लोगों ने सुना तो सुनाने लगे, नकल करने लगे हो। अरे भाई नकल तुम्हारी अकल को बदल नहीं सकती, नकल से अकल नहीं बदलेगी, अकल बदलेगी सत्य से, सत्यता से, हकीकत से, रियलिटी से तो अकल बदल सकती, लेकिन नकल से अकल नहीं बदलती। तो कहने की जब तक बदलेगा नहीं तो कुछ होगा नहीं। तो जरा बच्चन सुन लीजिए उनके, कि वो किस लिए आए और कहाँ के लिए आए और कहाँ की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने इस प्रारंभ क्या किया, धाम अपने चलो भाई पराए धाम क्यों रहना, धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना, अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। यहाँ से प्रारंभ किया कि तू पराए देश में है तो अपने देश अपने घर चल, दूसरे के घर में आप अपनी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, इच्छा के अनुसार आप नहीं रह सकते, उसकी इच्छा के अनुसार रहना पड़ेगा। तो देखो क्या समझा के कहने, अरे भाई बहुत दिन हो गया तुझको यहाँ रहते, कोई तुझको लेने आया नहीं, कोई तुझको तेरे घर का पता बताने आया नहीं और कोई तेरा सहारा बन के आया नहीं, काब चल अपने धाम चल, ये पराया देश कालमाया का देश है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है और तुम यहाँ संतुष्टि नहीं देख सकती हो। तो आगे क्या करें, काम अपना करो भाई पराए काम क्यों पसना, काम क्यों फसना, काम अपना करो भाई पराए काम क्यों फसना, अपना करो भाई पराए काम क्यों फसना। अब यही नहीं मालूम कि अपना काम क्या, जो हम कर रहे हैं उसी को अपना समझ, जो जिसको बना रहे हैं उसी को अपना समझे, ये मकान हमारा है, ये पत्नी हमारी है, ये पति हमारा, ये बेटे हमारे हैं, ये खेत है, ये मतलब यही दुकान, ये सब अपना है और अपना यहाँ कुछ नहीं, ये तो तुम लेके आए नहीं हो, तुम्हारा कैसे हो जाएगा, ये तो उसके फंसाने की व्यवस्था है उसने बनाई। कब जीव यहाँ जब व्यवस्था नहीं बनाओगे तो कोई रहेगा नहीं, सब चले जाएंगे, तो ये तो फंसाने का। कहते अपना काम करो पराए काम के फंसना, अभी तक हमें आपको यही नहीं मालूम कि अपना काम करें कि पराया करें, अपना सामान इकट्ठा करें कि पराया सामान इकट्ठा करें, और पराया सामान तुम्हारा हो नहीं सकता और पराया घर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। किराए के मकान को कितना तुम सुंदर बना दो लेकिन तुम्हारा नहीं हो सकता, तुमको एक दिन खाली करना पड़ेगा। तो कैसे समझा रहे, पहले देखो कि अपना काम करो पराए काम क्यों फंसना, कि जो तुम्हारा काम असली है घर जाने का तुम वो काम करो, और ये तो यहाँ रहने का जिसको अपना करो उसने अपने देश में रहने का सामान बनाया, यहाँ से निकलने जाने का सामान नहीं बनाया। लेकिन ये बात इतनी जल्दी कैसे समझ में आएगी, क्यों कितना समय निकल गया हम इसी में पड़े हैं कि जमीन हमारी है, दुकान हमारा है, मकान हमारा है, रुपये वैसे ये धंदोलस्त हमारा, ये पत्नी हमारी है, ये पति हमारा, ये बेटा हमारा, हम तो हमारा हमारा कह के इसको पकड़ा है और तुम्हारा नहीं है, ये बात कैसे समझ में आई। इतना आसान नहीं है कि आपके जो हमारा नहीं है, लेकिन
बहुतों को आपने देखा, अपने सामने जाते कितने को देखा। हमारे आपके बुजुर्ग चले गए, अड़ोसी पड़ोसी गांव के सब चले गए, तो ये मालूम होना चाहिए कि भी सब चले गए तो हम भी जाएंगे। जब यहाँ रहने का है ही नहीं, जब वो नहीं रहे तो हम कैसे रहेंगे। लेकिन ये बात अभी तक नहीं सुन पाए, कहा वो चले गए होंगे, उनको क्या, हमें तो यहाँ रहना है। कहते हमको यहाँ रहना, ये मेरा मकान, ये सब। अगर जो जा रहे हैं उनके जाने की बात अगर समझ में आ जाए कि एक दिन हमको भी जाना, जब वो कुछ नहीं ले गए तो हम भी नहीं ले जा सकते। उनकी पत्नी उनके साथ नहीं गई तो हमारी पत्नी कैसे चले जाएगी, उनका पति उनके साथ नहीं गया तो हमारा पति कैसे साथ जाएगा, उनका बेटा उनके साथ नहीं गया तो हमारा बेटा साथ कैसे जाएगा। उनके मकान दौलत रात दिन कमाते रहे, सारा जीवन कमाने में इकट्ठा करने में लगा दिया, जब चले तो कुछ, चले तो नंगे चले, कुछ नहीं, सब छीन लिया गया। अगर इस बात को हम समझ जाए, यही सत्संग है, यही ज्ञान है कि हमको भी एक दिन सब छोड़ना पड़ेगा, हमारा इसमें कुछ नहीं है, तो हमको चाहिए कि हम इससे अपना काम बना लें, शरीर में रह के सेवा करने, भजन करने काम बन जाएगा। शरीर तो हमारा नहीं है, हमको किराए पर मिला है, लेकिन काम करने का तो समय मिला है, तो हम शरीर से सत्संग सुन ले, सेवा कर ले, भजन कर ले, तो हमारा काम हो जाएगा। शरीर तो साथ नहीं जाएगा, लेकिन शरीर में लेकर हम अपना काम बना सकते हैं, इतना तो आपको सत्संग से मिलता ही है। तो आगे क्या करें, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। कहते हम संभाले किसको, हमने तो मकान संभाला, दुकान संभाली, जमीन संभाला, बच्चे संभाले, ये संभाला, वो संभाला। कहते नहीं भाई, ये तो सब यही रह जाएगा, जो गुरु ने नाम दिया है, जो मुर्शिद ने आपको नाम का आधार दिया, का इसको संभाले चल, क्योंकि ये तुमको संभाल देगा और तुमको तुम्हारे घर पहुंचा देगा। यही है दाम गठबंधना। अगर बांधना है गठर तो नाम का बांधे, और तुमने ये गठर बांध रखा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, जबकि कहते तुम्हारा नहीं, तो काल का है, ये तो काल की व्यवस्था है। तुम दूसरे की व्यवस्था को अपनी व्यवस्था समझते हो, यही बोले, यही अज्ञानता है। और यही ज्ञान कराने के लिए मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्मा आते। लेकिन जब मुरीद बनोगे, भक्त बनोगे, तभी कुछ बनेगा, और तुम मुरीद बनने को तैयार नहीं हो, भक्त बनने को तैयार नहीं हो, तो फिर तुम्हारा काम होगा तो कैसे होगा। आगे क्या करें, जगत का रंग सब मैला, जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान ये कहना। जगत का रंग सब मैला, मान तुम दोहरा भी नहीं पाते हो तो करोगे क्या, जब दोहराने की सामर्थ्य नहीं है तो तुम कर ही कुछ नहीं सकते, बहुत जन्म लग जाएंगे। सतो जब दोहराना नहीं मालूम, जैसा कहा जाए वैसे नहीं कर पा रहे, इतना मन खराब है कि शब्दों को दोहरा नहीं सकता, तो तुम करोगे कैसे। तो कितने सरल रूप में बताते हैं कि जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान निजे कहना। जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान निजे कहना। भूधाम अपने चलो भाई,
पराए देश क्यों रहलो। नाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। आपके इधर जो जो तुमने रंग चढ़ाया, काम का क्रोध का लोभ का मोह का, ये सब गंदगी है। कहा इसको धुला ले, वैसे तो उस गंदगी को धुलने वाला यहाँ कोई आई नहीं। तो कह रहे धुला ले, इसका मतलब कि मैं धुलने आया हूँ, मैं ये साफ करने आया हूँ गंदगी, इसको धुला ले। बगैर इस गंदगी को खुद धोए तू उधर जा ही नहीं सकता। ऐ मन न तू जाएगा, न जीवात्मा तू जाएगी। कितनी देर इसको कहते हमदर्द, कितनी बड़ी हमदर्दी लेके आए हैं कि जगत का रंग सब मेरा, संसार का जितना तुम ये देख रहे हो ये सब तुमको गंदा करने वाला रंग है, और नाम का रंग तुझे साफ कर देगा, स्वच्छ कर देगा, पवित्र कर देगा। कहते जगत का रंग सब मेरा, धुला ले मन ये कहना। अरे अब भी कहना मान ले, इस रंग को धुला ले, जो गंदगी का रंग तूने चढ़ा रखा, काम का क्रोध का लोभ का मोह का अहंकार का हिस्सा राग द्वेष का, ये सब धुला ले। पहली बात, इस रंग को धोने वाला कोई नहीं, ये गंदगी हटाने वाला कोई नहीं, ये केमिकल साबुन से नहीं हटा पाओगे। ये तो बाहर की गंदगी शरीर में लग गई, या शरीर को ढकने के जो कपड़ा पहने हो उसमें लग गई, तो ये बाहर का पानी कोई तालाब का ये धो सकता। लेकिन हमारे पर जो रंग गंदगी का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का जो गंदा रंग चढ़ा, वो तो अंदर चढ़ा हुआ, अंदर तुम्हारा ये पानी जा नहीं सकता। अंदर तुम्हारा यहाँ केमिकल साबुन जो माध्यम है गंदगी साफ करने, वो अंदर नहीं जा सकता। अंदर अंदर क्या जाएगा। कहते कि बिना सत्संग के, सत्संग जल जो कोई पावे, मेरा ही सब कुछ कर जाए। जिस किसी को सत्संग सरता का जल मिल जाए, या जिस पर मरी की दया हो जाए, तो वो तो गंदगी साफ हो सकती है। लेकिन कहते तुम्हारे द्वारा जो बनाई व्यवस्था है, ये अंदर की नहीं बाहर की, और गंदगी अंदर में, जब अंदर ये कुछ जाएगा नहीं तो साफ होगा नहीं। तुम कितना इस चमड़े को साफ कर लो, कितना कपड़ों से सजा लो, तेल साबुन से, लेकिन गंदगी तो अंदर है, और हम साफ करते बाहर। तन की उजरी मन की मैली, कहा तन की तो बड़ी सफाई किया, बड़ा धोया माजा सजाया, लेकिन अंदर में गंदगी बैठी, और वो गंदगी बाहर की सफाई से जाने वाली है नहीं, और बाहर की सफाई कोई देखेगा नहीं, वो तो कर्मों की गंदगी देखी जाती। कितने गंदे कर्म इसने हटा पाए हैं, या साफ कर पाए हैं, या मतलब महापुरुषों की बात मानकर उन गंदे कर्मों को छोड़ चुका है, ये सब देखते। आगे क्या कह रहे, भोग संसार कोई तिनके, भोग संसार कोई तिनके, सहज में त्यागते चलना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। आज इन भोगों को तुमने अपना आधार बना रखा, ये कोई कुछ दिखे, बचपन तो खेलने खेलने चला गया, और जवानी में भोग आपने किया, और बुढ़ापे में फिर भोग खत्म हो गया। कल कोई दिन के, ये बड़े सीमित है, ये कुछ दिन के हैं, धीरे 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 इनको छोड़ते चल, क्योंकि ये भी तेरे साथ नहीं जाएंगे, और यही भोग तुझको दाने नहीं दे रहे। असली गंदगी तो यही है,
मन पर भोगों की गंदगी चढ़ी हुई है। कहा धीरे 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 के गंदगी को छोड़ते चल, सत्संग वचनों को सुनकर सेवा करके भजन करके। ये रास्ते भी तीन बता दिए किससे गंदगी मन की उतरती है। आगे क्या कह रहे हैं कि शरण सतगुरु गहोत्र कर, शरण सतगुरु गहोत्र कर, करो ये काज फिर रहना, करो यह काज फिर रहना, शरण सतगुरु कहो चढ़ कर, करो ये काल पीले रहना, शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो ये काज फिर रहना, राम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना, राम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। का ये भोग, ये जो मन का आवरण भोगों का चढ़ा, ये सतगुरु की शरण में तो खत्म हो सकता और इसको कोई हटाने वाला भी नहीं, और जितने आए वो सब इसी आवरण में फंसे रहे। जब ऋषि मुनि योगी महर्ष और तारी शक्तियां नहीं निकल पाई तो हम सब कलयुग के गंदे अल्पायु अल्पक जीव कैसे निकलेंगे, कैसे उनके तुम्हारे लिए रास्ता है सतगुरु की शरण में चले जाओ। जब उनकी शरण में चले जाओगे वो अपने अपने द्वारा अपने तौर तरीके से हमारी आप ये सब गंदगी निकाल देंगे। कहते करो ये काम पल बहना, जो ये काम गंदगी उतारने का है उनकी शरण में मिल करके और दृढ़ता मजबूती के साथ शरण को पकड़ो तो धीरे धीरे ये तुम्हारी गंदगी सब उतार देंगे, और तो कोई यहाँ तुम्हारा सहयोगी है नहीं। आगे क्या करें कि सूरत मन थाम अब घट में, 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 पकड़ धुन ध्यान ये धरना, पकड़ धुन ध्यान धर गगना, पकड़ धुन ध्यान धर गगना, पकड़ धुन ध्यान धर गगना, दाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना, राम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। कहते सतगुरु की शरण में जाने से क्या होगा, कहते सूरत और मन दोनों को थामे, दोनों को रोकना सिखाएंगे कि मन कैसे रुकेगा और सूरत यहां से कैसे चलेगी। देखो दोनों कहते हैं सूरत मन थाम अब घट में, जब अंदर दोनों बैठे मन और सूरत दोनों अंदर है और अंदर में आपको जाना मालूम नहीं है, जब तक अंदर में जाना मालूम नहीं होगा तब तक मन और जीवात्मा को कैसे स्थिर करो, कैसे कुछ करेंगे आप। अरे भाई काम कहीं है कर कहीं रहे हो तो उससे थोड़ी कुछ होगा। कहते पकड़ धुन ध्यान धर, जो ऊपर से धुन मारी आवाज आ रही है उसको पकड़, जब दोनों उस आवाज को पकड़ेंगे और ध्यान धर के, ऐसे नहीं मतलब, कहते ध्यान धर करके दोनों जो ऊपर की आवाज जो आ रही उसे पकड़ेंगे तो दोनों यहां से निकल चलेंगे और कोई रास्ता शरीर से बाहर जाने का नहीं है, कोई निकलने का रास्ता नहीं, वो ध्वनि है आवाज है कलमा है जिसको कहते, मतलब यानी कहते वो अंदर में है, जब अंदर में जाने का रास्ता हो जाएगा तब ये सब आपको सुनाई देगा, जब सुनाई देगा तब आप, क्योंकि वो अजीब गरीब ध्वनि है वो तो इधर आवाज है ही नहीं,
जब उस आवाज को पकड़ेंगे दोनों तब निकल जाएंगे। आगे क्या कह रहे, फंसे तुम जाल में भारी, 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 बिना इस जूते नहीं खुलना, 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 दाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना, दाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। अब कहते तुम बहुत भारी मुसीबत में फंसे हो, तुमको उसने ऐसा फंसा दिया है कि तुम स्वतः नहीं निकल सकते, खुद में निकलने की ताकत तो खत्म हो गई, वो तो भोगे उसने पहले खर्च करा दी। जब कोई कमजोर कर देगा तभी तुम्हारे पर विजय प्राप्त करेगा, तभी तुमको अपने कंट्रोल नियंत्रण में रख पाएगा। तो सबसे पहले उसने भोगों में फंसा कर तुम्हारी शक्ति को छेड़ कर दिया, तुम्हें कमजोर बना दिया। कहते हैं फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस युक्ति नहीं खुलना। अब इससे छुटकारा, खुलना माने छुटकारा। कहते जो नाम की युक्ति जिसे नामदान कहते हो, यही युक्ति है। जब इसी युक्ति को पकड़ोगे प्रयोग करोगे तब तुम जहां बंधे हो वहां से खुल जाओगे, वहां से निकल जाएंगे आप। आगे क्या कह रहे हैं, गुरु अब दया कर कहते, 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 मानिए बात चित धरना, मानिए बात चित धरना, मानिए बात चित धरना, मानिए बात चित धरना, दाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना, हम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। कहते अब सतगुरु दया दया करने आए, पहली बात अभी तक तो ये दया करने आया नहीं, छुटकारा दिलाने वाली घर पहुंचाने वाली दया करने कोई नहीं आया। अब सतगुरु दयाल ये दया करने आए हैं तो कहते कि मान ये बात चित्त धरना, उनकी बात को मान ले और चित्त में धारण कर ले कि हमें और कोई छुटकारा दिलाने वाला, जब कोई आया नहीं तो अब कौन आएगा। ये आए हैं, इनकी बात को हमें अपने चित्त में धरना है और हम यहाँ से खुलना है, यहाँ से निकलना है, अपने घर की तरफ मुखातिर होना है। आगे क्या करें, भटक में क्यों उम्र खोते, 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 कहीं नहीं ठीक तुम लगना, कहीं नहीं ठीक तुम लगना, कहीं नहीं ठीक तुम लगना, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। कहते हो भटक में क्यों फंसते हो, उसने ये अटक भटक बनाई है जिसको हमने अपना सच्चा आधार मान लिया है। काम करो लो मोहकार सारा द्वेष, इसी को हमने आपने अपना आधार बनाया है। ये उसने भटक तैयार की कि ये भटकेंगे कैसे, जब भटक जाएंगे तब हम फंसा लेंगे। देखो कैसा जाल उसने बनाया। आगे क्या कह रहे हैं कि मतलब यानी
और तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं है, कहीं ठीक नहीं लगना, तुम्हारा ठिकाना और कहीं नहीं, कोई तुमको ठीक ठिकाने पर पहुंचा भी नहीं सकता। ये सतगुरु दया करके आए हैं, इनके बात को चित्त में धर ले और जो युक्ति दे उसे मान ले और वो अपनी करनी में उतार ले तो ये तेरा काम हो सकता है। आगे क्या करे, बसो तुम आप नैनों में, बसो तुम आए नैनों में, बसो तुम आए नैनों में, बसो तुम आए नैनों में, सिमट कर एक ये होना, सिमट कर एक यहाँ होना, सिमट कर एक ये होना, सिमट कर एक ये होना, दाम अपने चलो भाई पराए ते क्यों रहना, धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। आज वो सतगुरु दयाल तुझे लेने के लिए आए, अब उनको अपने नैनों में बसाओ। जिनको तुमने बसाया है उन्होंने तुम्हारा काम बिगाड़ा है, तुमने काम को बसाया, क्रोध को बसाया, लोभ मोह अहंकार इन सबको आपने शरण दी है और जब ये तुम्हारे अंदर बस गए और इन्हीं ने तुम्हारा नुकसान कर दिया, सारी शक्ति को छीन कर दिया। आप जरा सतगुरु को नैनों में बसा के देखो, जब वो अंदर बस जाएंगे तभी कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष गुरु की कृपा पर निर्भर है, क्रिया पर निर्भर नहीं है। इसलिए कलयुग में क्रिया साधनी कृपा साथ है, दया हो जाए, कृपा हो जाए, मेहरबानी हो जाए तब तो यह काम हो सकता है, क्रिया से कोई नहीं कर सकता। अभी कहा था मैंने तुमको युक्ति दे दी है, नामदान दे दिया, अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, और तुम्हारे बस का नहीं है तो कहा मेरे पास छोड़ दो, तुम दो में से एक भी काम नहीं, ना तुम कर सकते हो ना छोड़ते हो, क्योंकि छोड़ने में और कुछ भी छोड़ना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है। जब किसी के अधीन हो जाओगे उनके अनुसार चलोगे तो जो वो कहेंगे वो छोड़ना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा, तभी तो आप समर्पित भाव माना जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, दुइये दूर हो जावे, दुइये दूर हो जावे, दुइये दूर हो जावे, दुइये दूर हो जावे, दृष्टि ज्योति में धरना, दृष्टि ज्योति में धरना, दृष्टि ज्योति में धरना, दृष्टि ज्योति में धरना। अब आपको करना क्या है, कहा ये मन की दुविधा दूर हो जाए कि हम इधर रहे कि उधर चले, इधर हमारा है कि उधर हमारा, हमारा इधर है हमारी संभाल करने वाला कि उधर। कहते ये दुविधा जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये मन तैयार नहीं होगा, और दुविधा बिना सत्संग में चुनौती जाएगी, बिना सत्संग किए, बिना सेवा में लगे, बिना सुमरण ध्यान भजन किए ये दुविधा जाने वाली नहीं है। क्या कह रहे हैं, दृष्टि ज्योति में धरना, अब जो देखना है वो केवल ज्योति में देखना, यहाँ से शुरुआत है, ज्योति पहले मालिक का स्वरूप है, और यहाँ से तुमको दृष्टि लगानी है, दृष्टि धरनी है, और धीरे 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 जैसी दृष्टि आगे बढ़ती जाएगी और पीछे का मामला सब खत्म हो जाएगा, पीछे की गंदगी साफ होती जाएगी। आगे क्या करें, कि श्याम तज सेत को गहना, श्याम
तज श्वेत को गहना, श्याम तज श्वेत को गहना, श्याम तज श्वेत को गहना, सुरति को तान धुन सुनना, सुरत को तान धुन सुनना, सुरति को तान धुन सुनना, सुरत को तान धुन सुनना। कहते श्याम तज ये अंधकार काली माँ जो इधर है जिसमें फंसे हो, कहा जब यो छोड़ोगे तब उधर श्वेत यानी बिल्कुल पाक सामने पाता एकदम पक, जब वो प्रकाश श्वेत प्रकाश मिलेगा तो इधर की कालिमा और तीव्र अंधकार ये सब खत्म हो जाएगा। आगे कह रहे सूरत को तान धुन समझा, जब मन सूरत से मिल गया तो सूरत तान करके वो ध्वनि को सुनेगी यानी ऊपर की तरफ खिंचाव करके, तानने का मतलब ऊपर की तरफ खिंचाव करके उस आवाज ध्वनि को सुनेगी जो उसके घर को बुलाने की ले जाने वाली है। आगे क्या कह रहे हैं कि बंक के द्वार धस बैठो, 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 त्रिकुटी जाए कर लेना, त्रिकुटी जाए कर लेना, चिरकुटी जाय कर लेना, चिरकुटी जाय कर लेना। जैसे अंधेरा खत्म हुआ श्वेत प्रकाश में पहुंची, तो जब प्रकाश आगे होगा तो आगे बढ़ोगे आप, अंधेरे में तो कोई नहीं बढ़ पाएगा, अंधेरा पीछा रह गया, अंधेरा तो पीछे रह गया प्रकाश आगे आगे। अब प्रकाश में जब देखोगे तो ये बंकरान ये सब यानी ये पहली स्टेज और दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज ये सब दिखाई देती है, जब दिखाई देने लगी तब आगे बढ़ने लगी, यही सूरत का चलना है, इसी को सूरत का चलना, इसी को सूरत को आगे बढ़ना माना जाता है। आगे क्या कह रहे कि सुन चढ़ जा धसो भाई, सुन चढ़ जा धसो भाई, सुन चढ़ जा बसो भाई, सुन चढ़ जा धसो भाई, सूरत से मान सर न्याना, सूरत से मान सर न्याना, सूरत से मान सर न्याना, सूरत से मान सर न्याना। अभी आगे की चढ़ाई का वर्णन करें, जैसे जैसे प्रकाश मिलता गया दिखाई देता गया आगे बढ़ने लगी, कार की सुन की भी आगे चली गई और सूरत को मान सरोवर में स्नान कराकर नियाना माने नहाना, स्नान कराकर जो भी गंदगी थी सब उतर गई, अब बिल्कुल पाक सामने निर्मल हो गई, यहाँ से निर्मल होती। आगे क्या कह रहे कि महासुन चौक अंधियारा, महासुन चौक अंधियारा, महासुन चौक अंधियारा, महासुन चौक अंधियारा, वहां से जा गुफा बसना, वहां से जा गुफा बसना, वहां से जा गुफा बसना, वहां से जा गुफा बसना। सुन के बाद महासुन, महासुन के चौक को जब क्रॉस करती है तो सारा अंधेरा वहां से बिल्कुल समाप्त होता है, यहाँ तक अंधेरा है। कहा कि वहां से जा गुफा बसना, फिर उधर से वो अमर गुफा में पहुंच गई, वहां पहुंच गई, वहां का देखा ये सब तमाशा देखते चली जाएगी, सतगुरु दयाल उसको छोड़ेगी नहीं, नहीं किसी में फंस जाएगी, क्योंकि जब गंदगी यहाँ
घोर गंदगी थी ये काल माया के देश में, तब तो निकल नहीं पा रही, तो वहां तो स्वच्छता है। वो जब देश को देखेगी अरे कहते ये अच्छा छोड़ दीजिए, ये अच्छा यहाँ छोड़ दीजिए, बहुत प्रकार से यहाँ छोड़ दीजिए, कहते नहीं तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा नहीं है, ये बीच के मंडल है और बीच के स्थान है, यहाँ पर जैसी जैसी रौनक है वो सब देखती चलो, देख लो, छोड़ूंगा तुमको घर में। आगे क्या कह रहे, किली के चौथे, कितनी बड़ी बात कह रहे, किली के चौथे चलो सज के लोक, चौथे चलो सज के लोक, चौथे चलो सज के लोक, चौथे चलो सज के, यही वहाँ जाए धुन बीनो, यही वहाँ जाए धुन बीना, गहो वहाँ जाए धुन बीना, गहो वहाँ जाए धुन बीना। कहते इसके आगे चौथा लोक, जब चौथे लोक में पहुंची तो वहां से सजावट शुरू कर दी थी, क्योंकि अपने घर जाना, जैसे आप कहीं जाते हो नाते रिश्तेदारी तो जानते हो कि गांव 1 किलोमीटर रह गया, वहां से कपड़े बदलने लगते हो कि भाई अब उनके घर जाएंगे, जरा पाक साहब से सुंदर होके जाएंगे, ऐसे चौथे लोक के पार फिर अपने घर की तैयारी थी। जब वहां पहुंची तो सज धज के कि जाएंगी अपने पिया प्रीतम से मिलना है, अपने घर जाना है, तो कहते कि गहो वहां जाए धुन बिना, वहां जो आवाज आती धुन की बीन वस्त्र की, जब बीन की आवाज आती तब कहती हाँ ठीक ठीक ठीक, यही सदगुरु ने बताया था, इस स्थान पर ये आवाज मिलेगी, इस स्थान पर ये आवाज मिलेगी, तो हम उसके निशान देखते जाते, कहते हम सही रास्ते जा रहे, ये बताया था, ये सब चीज इसीलिए बताया जाते कि कहीं बीच में उसको शंका न हो जाए कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि अटक रहे हैं, यात्री इसीलिए सब पहले ही नामदान के वक्त सब बता दिया, ये नाम है, ये रूप है, ये आवाज, ये स्थान है, जब ये सब मिलता जाएगा तो आप आगे बढ़ते जाओगे, शंका नहीं रहेगी कि ठीक ठीक जो बताया था बिल्कुल ठीक रास्ते से जा रहे हैं। आगे क्या कह रहे, अलख और अगमो के पारा, अलख और अगम के पारा, अलख और अगमो के पारा, अलख और अगम के पारा, अजब एक सहज, देखिए कितनी बड़ी बात बताई, अलग और अगम के उस पार जब चलोगे, कहते अजब महल है, इतना अजीबो गरीब कारीगरियों से बना वो महल घर लोग, कहते तू इस लोग के रहने वाले, कहा वहां जाके छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, ये समृत मालिक आया है जो सतलोक में नहीं छोड़ेगा, सतलोक से भी दिखाता हुआ अगम लोक में छोड़ेगा, कहा ये तेरा श्री घर है, जब यहां तू आ गई अब तू वापिस कभी नहीं जाएगी, वहां से जन्म मरण का छुटकारा हो जाता। आगे क्या कह रहे, कितनी बड़ी चीज जानकारी, वही सतगुरु से जा मिलना, 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 हुआ मन आज अति खुशना मगना, मन आज अति मगना, हुआ मन आज अति मगना, हुआ मन आज अति मगना, दाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना, दाम अपने चलो भाई पराए दे
क्यों रहे। हाँ सच्चे सतगुरुदेव वो अगम देश में बैठे, जब वहां तू पहुंचेगी तो उनसे मिलन होगा, तब ये यानी अति प्रसन्नता। जब अपने घर पहुंच जाओगे तो अति प्रसन्नता, इससे प्रसन्नता और कहीं है ही नहीं। जैसे आप यहाँ आए हो, दो दिन चार दिन छह दिन आठ दिन रहोगे, कितनी आम फैसिलिटीज अवेलेबल करा दें, सुविधाएं दे दें, लेकिन आप यही दिन में सोचोगे अपने घर जाना। अपने घर में ही शांति मिलती, भले वो छोटी मोटी झोपड़ी हो, शांति अपने घर में मिलती है। इसीलिए जीवात्मा चाहे राजा के शरीर में चली जाए, महाराजा के शरीर में चली जाए, लेकिन शांति जब मिलेगी जब अपने घर पहुंचेगी। कहा वही सतगुरु से जा मिलना, वहां तेरा मिलन होगा। जो सतगुरु दयाल यहाँ पर जिस्म धारण करके आए हैं, उनका नूरानी जिस्म उधर है, वो जब मिलेंगे तब तुझे पूरी पहचान हो जाएगी, और वो तुमको घर पहुंचा के छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ये परिचय दिया कि मारा मेरा एक ही काम है, मेरा काम ब्रह्मा विष्णु महादेव वाला नहीं है, मेरा काम राम कृष्ण वाला नहीं है, मेरा काम देवी देवताओं वाला नहीं है, मेरा काम तुझको तेरे घर पहुंचाना। देखो कितनी बड़ी बात, और लेकिन नहीं समझ में आई। अब अगर ये राज न खोला जाए और ये जानकारी न दी जाए तो तुम कैसे यहां से चलो, तुम तो कहीं भी फंस सकते हो। जब यहाँ गंदगी में फंस गए हो, नहीं निकल पा रहे हो, वो तो सब स्वच्छता के लोग हैं, राम निर्मल पवित्रता, सब अच्छे लोग हैं, तुम तो किसी लोग को नहीं छोड़ोगे। लेकिन नहीं, कहते जिसने हाथ पकड़ा है वो तुमको वहीं छोड़ेगा, तू जहाँ की रहने वाली है, क्योंकि वादा किया। इतनी बड़ी जानकारी अगर ये न मिलती तो हम सब जीवात्माएं कभी वापिस घर नहीं जा सकती थी, इस मन को भोगों से कभी निकलना हो नहीं पाता, ये भी पर त्रिपुरी धाम घर नहीं पहुंच पाता। देखो दोनों का काम हो गया, ऐसे काम होता है, और यही काम, और दोनों हमारे आपके अंदर है, मन भी है और जीवात्मा भी है, इन्हीं दोनों का काम होना है तो कैसे होगा का उसकी उसका ये वर्णन है। ये वर्णन उन्होंने किया कि मैं तुम दोनों का काम करने आया हूँ, लेकिन तुम मेरे बच्चों को मान आदेश हुकुम का पालन कर लो और नाम की कमाई में लग जाओ तो तुम दोनों अपने अपने घर पहुंच जाओगे, फिर यहाँ तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि जिसने हाथ पकड़ा है वो बगैर पहुंचाए बीच में छोड़ेगा नहीं। यही तो असलियत है। सिंह दहन सतगुर गहन, केला फरे एक बार और त्रिया तेल हमें हर चढ़े दूजी बार। कहा सतगुर गहन, सतगुर ने जो भाव पकड़ी है, कहा उनका वो एक बार पकड़ लेते भी छोड़ते नहीं है, अगर नहीं तुम जाओगे तो दूसरा जन्म दिला दे, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, पांचवा जन्म, छठा जन्म, सातवां। कहा सतगुर सात जन्म तक पीछा करता है, तुम भजन करोगे कैसे नहीं, अपने घर चलोगे कैसे नहीं, वो स्थित पर स्थित कोई बनाने पड़े, कोई लीला कोई खेल करिश्मा करना पड़े, लेकिन वो घर पहुंचा कर ही मानेंगे। यही तो चीज हमें आपको समझनी चाहिए, और ये सत्संग के सिवा और कहीं ये राज रहस्य में नहीं सकता, ये कोई कथाओं में नहीं है। इसलिए हमें आपको बड़ी सावधानी के साथ काम करना है, और बच्चों को जब पकड़ते चलोगे और तुम चाहते चलो एक ही दिन में काम हो जाए। हम मेहनत करते हैं भाई, कितनी मेहनत कर दो, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु है फल हो। अब माली सोचे कि ये फूल का पेड़ लगाया, चलो इकट्ठे सौ घड़ा पानी डाल तो सड़ जाएगा, वो सड़ जाएगा, रह नहीं पाएगा, उसके उसको समय को जब जैसी आवश्यकता जरूरत तब तैसी देते रहो, धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा, फल देने के लायक हो जाएगा। इसी तरह से तुम चाहो कि नहीं एक दिन में मन ठीक हो जाएगा, एक दिन में भजन करने से जीवात्मा जाग जाएगी, ऐसे नहीं। जागने का मतलब उधर से अपना इधर की तरफ चलना, तब जागना, अभी हटे कहा, न मन हटा है न जीवात्मा वहां से खिसकी, अभी तो केवल वर्णन सुनाया जा रहा,
बताया जा रहा कि ऐसी स्थिति हमारी आती हो, ऐसी रहनी गहनी हमारी सबकी हो, तब ये चीज मिलेगी, ऐसे मिलने वाली नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, रखना हो जाइए। देखो अभी पीछे वाले नहीं, मैं खड़े हो पाया। जब तुम खड़े नहीं हो पाए तो चलोगे कब, और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब, मतलब समझो, ये सारा आप समझिए। और ये वचन कहीं नहीं मिले, कहीं चले जाओ ये सत्संग नहीं है, इस समय तो बिल्कुल है ही नहीं कुछ, इस समय सब मारा मार पड़ी है, लूटना घसूटना पड़ा है, जितना लूट लो घसूट लो, उन बेचारों को ये नहीं मालूम जो लूट घसूट है तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारा इसमें कुछ है ही नहीं, तुम तो नंगे आए थे, नंगे जाओगे, ये बात भूल गया, तभी तो ये सब इकट्ठा है, चुरा करके, छीन करके, धोखा दे करके, बेईमानी करके, किसी तरह से इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, वो बेचारा भूला है जो इकट्ठा कर रहे हो तुम्हारा सामान है, दूसरे के सामान को इकट्ठा कर रहे हो, सारा समय तुम्हारा बेकार जा रहा है, और तुम अपने सामान को इकट्ठा क्यों नहीं करते, कहते तुम्हारा सामान क्या, नाम गठबंधन, जो नाम दान मिला है ये मजबूती से गांठ में बांध लो, ये तुम्हारा उद्धार का कारण है, यही जरिया है, बगैर किस उद्धार हो ही नहीं सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोले बोले, बोलना होगा अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। देखो नाम कैसी जानकारी दे रहा, ये गुरुदेव नाम क्या क्या काम करेगा, कैसी कैसी सुख शांति देगा, कैसे कैसे बिगड़े काम बनाएगा, पापों से कैसे मुक्ति दिलाएगा, ये सब बता रहा है, और तुम केवल इसको नारे बजाओ कुछ समझ में नहीं आएगा। ये नाम अपने काम का परिचय दे रहा है कि मैं ये काम करने आया हूँ और ये काम करके जाऊंगा। अरे भाई नाम ही तो काम करता है, उसी नाम को हम लोग लेते हैं, अगर जिस नाम से हमारा काम न हो तो वो नाम किस बात का, उसका नाम लेने से क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। आज हम सब कलयुग के जीवों का काम न हरि नाम से, न राम नाम से, न कृष्ण नाम से होगा, आज जय गुरुदेव नाम से होगा, क्योंकि प्रभु आया, ये सारी सत्ता प्रभु की है, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा, हर लोक में बगैर उसके कोई रह नहीं सकता, बगैर उसकी सत्ता के कोई पत्ता नहीं हिल सकता, ऐसा प्रभु इस भूमंडल पर आया हुआ। आज हम अपने प्रभु को नहीं पहचान पाते, किसी ने नहीं पहचान पाया, 45 करोड़ जीवों को पहचान दी गई, सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया गया, कितने लोग पहचान कर पाए, ये तो सब भग गए छोड़ के, किसी को पहचान हो ही नहीं पाई, और पहचान देने वाले ने इतनी पहचान दी है, इस मृत्युलोक मंडल में जितने नाम आए ऐसी जानकारी पहचान किसी नाम की नहीं थी, इतना प्रचार किसी का न हरि नाम का, न राम नाम का, न कृष्ण नाम का इतना प्रचार नहीं हुआ जितना इस कलयुग में भूमंडल पर जय गुरुदेव नाम का प्रचार हुआ। ये भी हमें आपको सोचना चाहिए, समृद्धदाता दयालु ने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव को छोड़ा नहीं,
जहाँ पर जानकारी न दी हो, पुकार गुहार न लगाई हो, इतना परिचय देने के बाद भी कोई नहीं परिचय ले पाया, कोई नहीं पहचान पाया, सब शरण चरण छोड़ के भाग गए। उनको क्या मिलेगा, क्या बेचारे वापस लौट पाएंगे, ये तो समय बताएगा। लौट करके क्या पुनः ये सब उनको मिल जाएगा, अभी तो मौका दिया जा रहा। चलो वो नहीं जान पाए, भाग गए, 8 वर्ष तो पूरा मौके दिया गया। मैंने 8 वर्ष पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके ये परिचय दिया है कि सतगुरु दयाल के वचनों को फिर से याद करो, अगर भूल गए हो तो फिर याद करो कि वो क्या काम करने आए और कौन सा काम करेंगे, क्या उनका कहा कोई पूरा कर देगा, या उनका वादा कोई पूरा कर देगा, या उनके वचनों को कोई पूरा कर देगा, जो उन्होंने आवाज लगाई इस आवाज को कोई बुलंद कर देगा। इतनी तो समझदारी हमें आपको रखनी चाहिए। मैंने 8 वर्ष घूम घूम के समझ दिया, पहले तो कोई साथ ही नहीं जुड़ा, जब 3 वर्ष में ऐसे घूमता रहा कोई साथ जुड़ने को तैयार नहीं था, कि उन बेचारों को वचन याद ही नहीं थे। मैं उन्हीं वचनों को दोहराता था, मैंने अपना कोई वचन नहीं दोहराया, अपने मान सम्मान के लिए मैंने कुछ जवान तक नहीं हिलाई कि हमको कुछ नहीं चाहिए, जो समृद्ध दाता दयालु के वचन उनको फिर से सुन लीजिए, फिर से समझ लीजिए, तुम्हारा बिगड़ा काम बन जाएगा। लेकिन कितने लोगों ने सुना, कितनी मतलब यानी संघर्ष यात्राओं के साथ ये जमघट तैयार किया। मैंने तो मेरे पास तो आदमी नहीं, तुम तो सब उधर ही थे, वही सब खड़े थे, और वहां से इधर लाना बड़ा मुश्किल था, ये मेहनत है। वहां तो किसी ने मेहनत की नहीं, वो तो बनी बनाई उनकी व्यवस्था है, बनी बनाई जो सदगुरु दयाल ने जीव जीव जगाए, उन्हीं जीवों में से लूटपाट कर रहे हैं, उन्होंने एक आदमी में नहीं किसी ने खड़ा किया, और यहाँ सब उन्हीं में से निकाल के लाए गए। 8 वर्ष कितनी मेहनत हुई, कुछ लोग तो जुड़े ही नहीं, जुड़े तो बेचारे को स्वार्थ लोभ लालच के, हमने कहा चलो ऐसे ही काम ऐसे करते रहे अच्छा है, तो मैंने उनको पैसा दिया कि भाई तुम पैसे से जुड़े रहो, तुम पैसे से चलते रहो, इसी तरह काम तो करना ही है, तो उनको पैसा देते रहे। पैसा लेकर भी वो नहीं रह पाए, बड़े अफसोस की बात है, इतना पैसा तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की तनख्वाह नहीं है, जितने मैंने इनको दिया तभी नहीं रह पाए। तो इससे और सरल कौन सा साधन बनाया जाए तुम्हारे रुकने का टिकने का, फिर भी छोड़ के बात गए। अब ये नहीं मालूम कि भाग्य तुम्हारा क्या मिलेगा, जहाँ तुम गए वहां तो कुछ है ही नहीं, अगर पहले वहां होता तो हमारे पास आप नहीं आते, इसका मतलब है वहां कुछ था नहीं तब यहाँ आए, और यहाँ मिल गया तो आप चले गए देंगे। तो ये तो जो मिला है ये तुम्हारा नहीं, न हमारा है न तुम्हारा है, ये तो प्रेमियों की गाड़ी कमाई है, और उसको तुम हजम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा वो है नहीं, जब तुम्हारा है नहीं तुम्हारा कैसे बनेगा, वो तो आपका नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, फिर तुम लौट के वापिस आओगे, तब हम सुनने वाले नहीं, फिर हम किसी तरह के सुनने वाले नहीं। बहुत आपको सुनाया, बहुत समझाया गया, और आज भी ये सत्संग कहीं नहीं हो रहा, तुम हिंदुस्तान में कहीं देख लो ये आवाज कहीं नहीं लग रही, पहले भी किसी ने नहीं लगाई, पहले भी किसी ने नहीं दोहराई, पहले भी किसी ने नहीं अपनाई, और आज भी कोई नहीं अपना रहा, तो क्या तुमको थोड़ी सुनाया जा रहा है, ये वायुमंडल में छप रहा है, तुम्हें नहीं मालूम। कहा था कि बच्चा तुम्हारे पीछे एक कैमरा लगा दिया, वो कुदरत का कैमरा, और तुम्हारी हर घड़ी की घटनाएं नोट हो रही, तो ये भूल गए जो तुम कर रहे हो या करके गए हो, क्या ये घटना नहीं छपेगी, कैसे बचोगे तुम उस कुदरत के कैमरे से, कैसे बचोगे। जब इंसान कैमरा बनाता है उस कैमरे के आगे आने में तुमको डर लगता है कि हमारी सच्चाई कैमरा सब खोल देगा, लेकिन कुदरत के कैमरे से बिल्कुल डर नहीं, तुमको बिल्कुल तुम्हारी समझ में नहीं आया ये सब क्या। तो बात तो समझने की है, देखो माफी भी एक सीमा होती है, माफ करने की एक सीमा होती है, जब नहीं मानोगे नहीं समझोगे तो वो अपना चार्ज कुदरत को दे देंगे, और कुदरत सबको मनाना जानती है, कुदरत का मनाना तुम्हारे हित में नहीं होगा, वो तो बेरहमी से काम करेगी, वो मार काट हिंसा
समझाने का तरीका है उसका देख लीजिए आप। और ये रहनुमा है, ये तुमको बचाने आए हैं, तुम्हारे काम को करने आए हैं, तो उनकी बातें नहीं तुम सुनते हो। तो कहने का मतलब है, जब ये कह दिया गया मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या हिंदुस्तान में करोड़ों होगी, कि लेने वाले कोई 1,500 होंगे, लेकर संभाल के रखने वाले कोई 100-200 होंगे, और उस पर चलकर लगातार चलकर मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। प्रेमियों उन्हीं बिलों की तो लिस्ट बनाई जा रही, वो बिरले हैं कौन जो मालिक के सिवा किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते, किसी को अपना नहीं बनाते, उन्होंने सब करके देख लिया है। तो ऐसे कितने जीव हैं जो अपने मालिक पर कुर्बान हैं, उनके सिवा न किसी को देखना चाहते, न सुनना चाहते, न उनके साथ रहना चाहते, क्योंकि जानते हैं या कुछ नहीं, उनके पास कुछ नहीं। तो इतनी बड़ी मेहनत की गई, 60 साल वो मेहनत आपने बेकार कर दी, जो 10 जुलाई 1952 से 2012 था, वो भी मेहनत आपने बेकार कर दी, और 8 वर्ष एक बार फिर जगाने का अवसर दिया गया, वो भी आपने खत्म कर दी। क्या मिला आपको, क्या लिया, क्या दिया? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब एक आवाज आपको मिली है कि हर जिले में 2 टोलियां बनानी। देखो टोली 2 ही रहेगी, उस टोली में हर ब्लॉक के लोग आते जाते रहे। पहले समझ लो, आप समझ नहीं पाते इसे तो गड़बड़ कर देते, कि हर ब्लॉक के प्रेमियों को बारी बारी से, एक बार टोली आई तो एक ब्लॉक किया गया, दूसरी बार वो गई फिर आई तो दूसरे ब्लॉक, ऐसे करके हर जिले के सब लोग आ जाए, क्योंकि ब्लॉक से तहसील, तहसील से जिला बनता है, जिला से प्रांत बन जाता है। तो मैंने इकाई पकड़ी है, इकाई पकड़ोगे तो दाही समझ में आ जाएगी, अगर इकाई नहीं तो दाही कहां से आ गई, इकाई के बाद दाही होती है। तो पहली बात तो ये समझ नहीं पाते, तुरंत कह दिया अरे 2 टोली से क्या होगा, उन्हें तुम बातें नहीं समझते हो, अरे एक आएगी एक जाएगी, यही तो होगा, जो आएगी एक ब्लॉक के प्रेमी आ गए, फिर वो चली गई दूसरे ब्लॉक के प्रेमी आ गए, तब तक जो टोली वहां है वो अपने अपने ब्लॉक में लोगों को संगठित करेगी, उनको तैयार करेगी, भाई सेवा में कौन जाएगा कौन जाएगा। और सबसे बड़ी बात है डंडा और झंडा, ये दोनों चीजें हैं। कहा था झंडा तुम्हारे अधिकार का प्रतीक है, आपने झंडा छोड़ दिया, जब छोड़ दिया तो अधिकार से कितने दूर खड़े हो, ये भी तो देख लो, आदेश आदेश होता है। कहा ये धनुष बाण है, इसको कंधे पर रखो, इसी से कलयुग को भगाना है और सतयुग को लाना है, ये एक मर्यादा है, एक अपने अधिकार का प्रतीक है झंडा। तो कम से कम इस बात को इतने दिन में नहीं समझ पाए। तो मैंने ये कहा भाई 2 टोली हर जिले में, और उसकी बात आप समझ लीजिए धीरे धीरे। अब ये टोली अगर बनेगी नहीं तो पहले ही से, ये कोई नया चेयर नहीं हमारा, पहले जय गुरुदेव धर्म प्रचारक समितियां, दूरदर्शी समितियां, इकाइयां, भूम ज्योतक समितियां, इकाइयां, ये पहले भी तो बनाई गई थी, लेकिन तुम बीच में से भूल गए, जो तुम्हारा असली आधार काम का है आप उससे अलग हो गए, तो भूल गए, तो फिर पुनः आपको याद दिलाए जा रहे इस तरीके से। और सबके कंधे पर झंडा होगा, झंडा जरूर हो, और वो झंडे में जो लाठी है वो लंबाई उसकी कान के नीचे से, ये कान का जो नीचा यही था, ये लंबाई उसकी, ये सब आप ध्यान रखिए और इशारे को भी समझते जाइए, आखिरकार ये तैयारी क्यों की जा रही, जब सारे देश में खबर फैलेगी तो सब एकदम अचंभे में हो जाएंगे, ये टोली क्यों बनाई जा रही, और झंडे डंडे के साथ टोली रहेगी इसका मतलब क्या है। तो धीरे धीरे जब सत्संगों में आओगे तो मैं सब खोल के बता दूंगा, कैसे करना है, कैसे आपको रहना है, ये सब जानकारी सत्संग के द्वारा आपको मिल जाएगी। अभी तो केवल एक धमाका किया गया कि पूरे भारत में को सूचना दी जा रही कि अपने अपने जिले में 2 टोली तैयार कर, उन टोलियों का काम क्या होगा
बाद में बताऊंगा आपको, अभी तो काम केवल है आश्रम में आएंगे सेवा करेंगे, टोली भाई टोली आएंगे सबको मौका मिल जाएगा, कोई मतलब यानी वैसे एक सप्ताह का मैंने रखा है कि जिसके पास जैसा समय हो अपना देगा चला जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन समय एक सप्ताह का, एक टोली एक सप्ताह रहेगी इसके बाद चली जाएगी, दूसरी आएगी वो नहीं। जब हर जिले का रोटेशन इस तरह बन जाएगा एक आए एक जाएगा तो कितनी भीड़ हो जाएगी, लोगों की संख्या कम नहीं होगी, और जब कम नहीं होगी तो यहाँ का काम कोई रुकेगा नहीं। अभी तो आपको ये सब रात्रि में सुरक्षा और दिन में सेवा, सेवा का काम, माने दो टोलियां आपकी आ गई तो एक टोली रात्रि में सुरक्षा व्यवस्था देखेगी और एक टोली सुबह ये काम देखेगी। ये आपका सब्जी फार्म, इसको देखिए आप, ये आपकी गाड़ी कमाई से, ये किसी का इसमें नहीं है, आपकी गाड़ी कमाई, वो भी मैंने कोई सेवा नहीं मांगी, ना मैं कोई मांगता हूँ, जरूरत ही नहीं। जो तुम्हारे अंदर श्रद्धा सेवा भाव बनेगा, जो उससे काम होगा, वो 1 लाख 10 लाख 20 लाख से नहीं होगा, श्रद्धा की चूनी भरी भली, लेकिन कितनी भरी है, भाव के भूखे हैं सतगुर, भाव ही एक सार है, और भाव से कहते मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है, ये भावना ये भाव आपका बनाया जा रहा, कैसे कैसे बनाओगे तो ये सब जो आपने पहले हमको दिया, जहां जहां कार्यक्रम हुआ या वैसे आप मिलने आए, जो दर्शन में आपने दिया उसी से जमीन खरीदी, कोई ये नहीं कह सकता किसी से पैसा मांगा गया या सेवा मांगी गई 4 अंक 6 अंक 5 अंक ये कुछ, जो आपने श्रद्धा से भेंट किया है वो मेरे पास कोई खर्चा नहीं, मेरे कोई है ही नहीं किस पर खर्चा करूंगा, अगर समझो तो आप ही सब लोग हो, ये परिवार ही अपना है, जो भी करूंगा इस परिवार के लिए करूंगा। अब ये है तुमको रोकने के लिए ठहरने के लिए, चलो कुछ कर लो कुछ समझ लो कुछ मतलब अपना परिवार बना लो, तो रोकने के लिए बहुत प्रयास करता हूँ, और रोकने का माध्यम केवल पैसा ही, समय कलयुग में अर्थ युग है ये, पैसा चाहिए तो वो भी तो दिया गया, इतना पैसा तो किसी को नहीं मिला, यानी कहीं कहीं जितना पैसा हम इन लोगों को दिया उतना हमको दर्शन में नहीं मिला, उतना इनको दिया। अब तुम पैसा लेकर भी नहीं रुक पा रहे हो, पैसा लेकर मर्यादा में नहीं रह पाए हो, तो फिर तुम रहोगे कहाँ, तुम्हें कहाँ जगह मिलेगी, तुम्हें कौन रोकेगा, इन दरबार से जो चला गया उसको कोई नहीं टिकाएगा, क्योंकि सबको मालूम है दरबार की महिमा, क्योंकि इस समय सब दरबार बंद, सब में तालाबंदी है, लेकिन सतगुरु धाम में कोई तालाबंदी नहीं, आपको ये समझना चाहिए, और कहीं चर्चा नहीं कोई कर सकता, जब 5 आदमी नहीं इकट्ठे हुए चर्चा कैसे करोगे, और यहाँ आप देख लीजिए तो ये तो सबके दिल दिमाग में बात बैठ गई कि बात कोई जरूर है, कि नैमिष धाम से धाम में कभी कुछ नहीं, तो हमने कहा मेरे यहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई बीमारी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सब शाकाहारी आते हैं, कोई दूसरे मिशन का भी इसमें नहीं आता, कोई ऊजा पूजा बाहर की करने वाला भी इसमें नहीं आता, तो यहाँ सब शाकाहारी है तो ये बीमारी यहाँ नहीं आएगी। और लोगों ने देखा अब तो काफी समय हो गया, देखते 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 कि 100 आदमी आए तो 50 चले गए, 200 आ गए, ये आवागमन लगातार बना रहा, लेकिन यहाँ कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला। अब ये निंदा आलोचना बुराई करने वालों का काम वो तो करते रहेंगे, वो अपना काम करेंगे, उनके पास ये काम नहीं, इसका समय नहीं इसका, और तुम उनको अगर दयाल को जीव समझ लोगे तो धोखा हो जाएगा, दयाल के जीव ये काम नहीं करेगा, ये काल के जीवों की पहचान है, जो नहीं माने हुकुम हमारा और उनके मन को काल संभारा, जो हुकुम आदेश को नहीं मानेगा वचनों को भूल जाएगा और निंदा आलोचना बुराई गंदगी को समेटने लगेगा, ये काल के जीव है इनसे होशियार रहिए, क्या इससे कोई काम हो जाएगा, क्या निंदा आलोचना बुराई से सच्चे समाज की स्थापना हो जाएगी, या अच्छे सच्चे लोग तैयार हो जाएंगे सुनकर, तो इतनी भी जब समझ नहीं रही तो फिर यही महाराज अपने काल के जीव अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। लोगों ने कहा बड़ी आपकी निंदा बुराई होती, हमने कहा हमारे पास समय नहीं है,
जो उसको सुने, क्योंकि उसके सुनने से कोई काम तो होगा नहीं और उससे भी कोई काम नहीं होगा, तो हमारे पास समय नहीं। और दूसरी बात, संत मत का सिद्धांत है, अगर वो हमारी निंदा करेंगे मैं उनको प्रणाम करूंगा, प्रणाम करूंगा, क्योंकि संत मत का सिद्धांत है निंदक को करो प्रणाम, जो तुम्हारी निंदा करते उसको प्रणाम करो। निंदक नियरे राखियो आमन आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन बिन पानी सब मैलो झज्जा, उसको बसा के रखो, सुविधाएं दो कि तुम बने रहो, अपना ये गंदगी उठाने वाला काम करते रहो तो हमारा भजन सुरक्षित बच जाएगा। ये कर्मों की गंदगी निंदक से सब ज्यादा कटती, तो ये सब हो रहा है। उधर वो अपना काम करे, मैं अपना काम कर रहा, मुझे फुर्सत है नहीं, मेरा संदेश जा रहा सब जगह, क्योंकि कहीं से कोई संदेश है। सबको डर है कि 15-20 आदमी इकट्ठा हो जाए बीमारी आ जाए, यहाँ कोई डर नहीं, क्यों, यहाँ बीमारी वाला काम है नहीं, यहाँ सब स्वच्छ पाक साफ काम, यहाँ कोई धरना गिराओ, कोई रैली फैली, कोई तोड़ फोड़ आंदोलन, यहाँ शिक्षा नहीं है। जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करेगा वो राष्ट्रभक्त कभी नहीं हो सकता, तो यहाँ तो अनुशासन है, यहाँ प्रेम है, यहाँ सेवा भाव है, और ये सबको पता चल गया, पूरा हिंदुस्तान जान गया और भी जान रहा है। यूट्यूब पर खोलिए, ये संदेश पूरा जा रहा सब जगह, जो कोई नहीं कह रहा, इन बातों को कोई दोहरा भी नहीं रहा, इन वचनों को कोई कह नहीं रहा, क्योंकि ये वचन सत्य वचन है, तो झूठे लोगों से ये वचन का उच्चारण नहीं होगा। और आप सब देख रहे, आते रहे जाते रहे, इसी तरह देखो कितने आए कितने चले गए, कितने आए कितने चले गए। हमने कहा हमारे यहाँ भीड़ होती नहीं, आते ही जाते, अपना आए से पहले सुबह भजन किया और फिर सत्संग मिल गया और थोड़ी सी सेवा किया और प्रसाद मिला चले गए, उनका काम हो गया, चाहे एक दिन रहो तो यही काम, 10 दिन रहो तो यही। तो ये तो चीज सबको मिल गई। अभी 15 सितंबर की बात, मैंने तो किसी से कभी नहीं बताया कि मैं कहाँ पैदा हुआ, भी नहीं मालूम, मुझे पता नहीं कहाँ से पता लगा कि मना जान गए और ये मनाते चले आ रहे 200 साल से। मैंने कोई किसी को आमंत्रित नहीं किया, कोई कार्यक्रम नहीं, को मालूम है पूरे हिंदुस्तान को, मैं जब कार्यक्रम करता हूँ तो शासन प्रशासन से परमिशन लेके करता हूँ, ऐसे नहीं करता हूँ। मैंने कहा अगर कोई प्रोग्राम होता तो आपसे परमिशन लेता, आपको इससे ही कर लेना चाहिए। अभी ये इनका भाव है, अभी अपना आ गए, जो देखा लोगों ने, वही इतनी भीड़ हो गई 14 तारीख को। अब उन लोगों को ये नहीं मालूम कि असली तारीख कौन है, तो बेचारा 14 तक उन्होंने बाउंडेशन कर दिया, नहीं कोई आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं, ठीक है, मुझे तो मालूम था। अब 14 ही को लोग आ गए, जब 14 की भीड़ देखी तो प्रशासन घबरा गया, ओ इतने आदमी आ गए, यहाँ तो 4 आदमी नहीं टिक सकते हैं, और यहाँ धारा 144 लगी हुई है, ये नहीं हो, हमने धारा 144 कब लगती, मुझे हमें मालूम है, तुम ये कानून मत बताइए। जहाँ तोड़ फोड़ आंदोलन धरना घेराव होता है, मारकाट होती है, वहाँ ये धारा लगाई जाती है, हमारे यहाँ से कुछ नहीं, बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र जगह है, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, ये क्यों भूलते हो, वो आधार है। तो 14 को मैंने कहा चलो भाई प्रशासन को तकलीफ हो रही है, ऐसा करो कि मैंने सुबह सत्संग सुना दिया, सुबह तो भजन किया सबने, 4 बजे घंटा संग बजता, 1 घंटे भजन किया, हमने कहा सत्संग सुन लीजिए, सत्संग सुना के मैंने यहाँ रथ पर बैठ करके सत्संग सुनाता गया और इनका दर्शन करता गया और प्रसाद देता, हमने तुम्हारा काम हो गया, तुम अपने काम का तरीका बदल दो, कोई नहीं रोक पाएगा, थोड़ा तरीका बदल दिया गया, सब लोग आ गए, अगर इकट्ठे आते तो गड़बड़ था, और धीरे 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 कभी 100 आए, कभी 200 आए, कभी मतलब 50 आए और चले गए, ऐसे धीरे धीरे सब आ गए। और रात 15 तारीख 14 तारीख को रात्रि को इतनी भीड़ आ गई, तो लोग सोचते कहाँ से आए, भाई हमको तो पता नहीं है, मैंने तो बुलाया नहीं किसी को, अब ये कहाँ से आ गए, कौन है, क्या है, ये अपनी जानकारी करो तुम। तो मतलब देखा लोगों ने कि इतनी भीड़ आ गई, हमने कहा भाई की बात हमारी सुनिए, जब बिना बुलाए इतने आ गए, अगर बुला दूंगा तो कितने आ जाएंगे, तो नहीं इसमें जगह नहीं मिलेगी, एक बार आप अवसर दे दीजिए,
हमको परमिशन का, मैं यहाँ आदमी से आदमी बैठा के बैठा दूंगा, तुम गिन नहीं पाओगे। अच्छा एक कार्यक्रम हो जाएगा, ये पीछे वाली गंदगी सब खत्म हो जाएगी, राम निंदा आलोचना बुरा ये किनारे सिमट के हो जाएगी, एक कार्यक्रम हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसा कोई अवसर मौका मिलेगा तो मैं सेवा करूंगा आपकी, सब लोग आ जाएंगे, सबको दिखा दूंगा, देख लीजिए क्या है। तुम कहते हो 5 आदमी में बीमारी हो जाएगी और 10 आदमी नहीं रुक सकते, हमारे यहाँ तो लाखों आदमी आ गया, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आखिरकार कोई बात तो जरूर है, कि वहां जो लोग आ रहे हैं उनको भी डर नहीं और ये जहां आ रहे हैं उनको भी डर नहीं। हमने कहा डर किस बात का, डर है तो कर का, अगर कोई गंदा करेगा बुरा करेगा दूसरे के नुकसान की बात सोचेगा वो डरेगा। यहाँ तो सर्वभूति तेरथा, सारे जीवों का कल्याण हो, यहाँ ऐसा संदेश है तो डरने की क्या बात, ये तो आपको सोचना चाहिए। तो मैंने प्रशासन का पूरा सम्मान किया, ऐसा नहीं है, मैंने कहा अरे भाई आ गए तो किसी को दरवाजे आ जाए तो भगाया तो नहीं जाता, लेकिन धीरे धीरे चले जाएंगे। जैसे मैंने एक आवाज लगाई कि आप लोगों को जाना, तो सुबह आपने भजन कर लिया, अब आप सत्संग सुन लो और प्रसाद लीजिए, घर चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया, बस सब चल चलेगा। तब इन्होंने देखा रे एक आवाज पर सब चले गए। हमने कहा कि हाँ यही तो समझना आपको कि इस समय देश में अनुशासन कहाँ है, प्रेम कहाँ है, सेवा भाव कहाँ है और सबके प्रति अच्छी भावना यानी भलाई की सच्चाई की कहाँ है, ये आपको देखना चाहिए, नहीं देखोगे तो परेशान हो जाओगे और आज नहीं तो कल आपको देखना पड़ेगा, ये तो काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब सतयुग आ गए, सतयुग का संकेत है तो सब लोग सत्यवादी होंगे, सत्कर्म करने वाले होंगे, सच्चा खान पान करने वाले होंगे और सच्ची न्याय व्यवस्था होगी, यानी मतलब तो सतयुग तो आएगा जरूर, सतयुग आएगा जरूर पर पृष्ठभूमि बन जाने दो, इतना काम आप कर लेने दीजिए, ये सब तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। देखो जो लोग जाने वाले हैं, कोई इमरजेंसी तो रोका नहीं जाता, वैसे घर में क्या करोगे, जो चीज यहाँ वो घर में नहीं, अगर घर में होते तो यहाँ क्या होते, इतनी तो समझदारी आप में होनी चाहिए। तो यहाँ रहो, कुछ सेवा कर लो, वो सतगुरु धाम का मुख्य द्वार उसकी नींव पड़ गई है और नेपाल संगत के प्रेमियों ने इस गेट को बनाने का संकल्प लिया है, उनकी इच्छा है, लेकिन लोगों के अंदर एक भावना जाग गई कि नेपाल एक दूसरा देश है, दूसरा देश वाला हमारे देश में यानी मतलब ये तैयार करे कोई अच्छी बात नहीं है। तुमने कहा नहीं, ये मत सोचो, सत्संगी वहां भी है यहाँ भी, बात सत्संगी पकड़ो, वो सत्संगी है, देश विदेश जिले की बात मत पकड़िए आप, उनकी इच्छा हुई है, तुमने कहा अच्छी बात है। तो दीपावली को इस सतगुरु धाम के मुख्य द्वार का उद्घाटन है, उसमें काफी भीड़ होगी क्योंकि जगह जगह सब सूचना फैल गई कि सतगुरु धाम के मुख्य द्वार का उद्घाटन दीपावली को होगा, दिवाली में होगा, तो प्रेमी कितनी जोरदारी से लगे पड़े हैं और आपको एक अवसर मिल गया, क्योंकि गेट की कीमत तो हो चुकाएंगे लेकिन न्यू की जो सेवा वो आपको मिली है, अगर न्यू नहीं होगी तो गेट काहे पर खड़ा होगा, तो न्यू तो आप हो, आधार आप हो, इसलिए सबको ये मौका मिल गया, अब जितनी सेवा आप करना चाहो कर लीजिए, ये जल्दी से तैयार हो जाए, बगैर न्यू के गेट खड़ा नहीं किया जा सकता, वो तो गेट की कीमत चुकाने की बात कही है लेकिन सेवा आपको मिल रही है। इस सेवा का मुख्य मतलब तो न्यू का होता है, जो न्यू जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी बुलंद होगी उस पर, इस बात को ध्यान में रखिए आप, तो सबको मौका मिल गया, अब प्रेमी धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो आप लोग अब जाइए वही सेवा करो,
वो नाश्ता तुम्हारा वहीं पहुंचेगा, जो सुबह का है वही मिलेगा, जो जहां सेवा करे वहीं आप पहुंचाई, तो तुम्हारी सेवा हो जाएगी पहुंचाने की, खिलाने की, परोसने की, ये सब सेवा ही तो जुड़ी हुई है। तो सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बड़ी सेवा अगर छोटी सेवा नहीं तो बड़ी कैसे हो जाए। ये छोटी छोटी सेवाएं मिलकर एक बड़ा रूप दे देती है, उसी को हम लोग बड़ा कहते थे। छोटा नहीं होता बड़ा कहां से आता, बात तो समझनी चाहिए। तो ये भी आपको सेवा, उधर आपका वो निर्माण हो रहा, उधर देखिए आप जो आपने पहले दिया, जहां जहां मैंने कार्यक्रम किया, क्योंकि पहले 3 साल तो कुछ नहीं, गाड़ी का भाड़ा भी नहीं निकलता था, लेकिन मैं लगा रहा अपने काम में, काम में लगा रहा, धीरे धीरे कभी 100 जुड़े 200 जुड़े, हट गए तो मैं उनको जो प्रेमी श्रद्धा से देता था, मैं तो कभी लेता नहीं, मैं कभी गिनता भी नहीं, इन्हीं से गिनवाता हूँ, इनको शंका न हो कि करोड़ 2 करोड़ तो नहीं आ गया। अब दर्शन की सेवा सबको मालूम, तो ये जब ये जमीन की बात चली तो लोगों में शंका हो गई कि सेवा तो किसी से लेते नहीं, सेवा की बात कहते नहीं, जमीन कैसे खरीदेंगे। हमने कहा मेरे पास व्यवस्था है, अगर तुम्हारी तरह मैंने अपनी जेब भरी होती, अपना पेट भरा होता, उसमें सेवा तुम्हारी खर्च की होती या बैंक बैलेंस किया होता तो कुछ नहीं होता, लेकिन यो कोई काम नहीं, 1 रुपया दिया उसको संभाल, 10 दिया तो मैंने 10 से ज्यादा कुछ देता नहीं था, वो भी संभाल के रखा, और धीरे धीरे उसी तुम्हारी सेवा से इतने बड़े फार्म का निर्माण हो गया। ये जमीन आपकी सेवा, यहाँ जो भी बन रहा मेरा कोई नाम उसमें नहीं, न जमीन में न किसी काम में, बिल्कुल पाक साफ पवित्र काम है, हमको जरूरत नहीं है, हमको तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम सब लोग आ जाओ तो सब काम हो जाएगा, पैसे की क्या जरूरत। अरे भाई, मीडिया पत्रकार ने पूछा कि आप इतना ये सब काम कर रहे हो, कहां से पैसा था, आपकी बैंक का नाम क्या है, तो हमारी बैंक का नाम है श्रद्धा सेवा बैंक। कहा श्रद्धा सेवा ही तो कहीं बैंक है नहीं, हमने है नहीं तो पैसा कहाँ रखते। अरे है तो भी तो पैसा रखा जाता, हमने श्रद्धा सेवा बैंक। तो लोगों ने समझ तो पाते नहीं सारा, तो हमने कहा अरे भाई सब लोग इनको जो है बैंक दिखा दीजिए। तो प्रेमियों ने कोई 10 दे रहा, कोई 20, कोई 50, कोई 100, कोई 500, जिसकी जैसी क्षमता वो फर डाला। तो हमने कहा इसको कि नहीं आप, तो बोरे में भर के रखा गया, हमने देख लिया बैंक, ये हमारी बैंक है, ये बैंक है। इससे मैंने भी कुछ कहा नहीं है, केवल ये कहा भाई जिसके जो श्रद्धा हो तो श्रद्धा सेवा बैंक का इनको परिचय दे दीजिए। तो किसी ने 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 50 100 जो जिसके पास थी दिया, मतलब यानी देगा, हमने कहा ये बैंक है। तो ये सब थक गए, कुछ मिला नहीं, क्यों है ही नहीं, कुछ मिलेगा क्या। अब झूठ हो तुम कुछ भी कह डालो बात अलग, लेकिन जब सच्चाई का पर्दाफाश होगा तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं, और ना हमको ये काम करना है, जो करूंगा आपके लिए करूंगा, आपका पैसा आप पर लगा दूंगा और आपके लिए लगा दूंगा। अब ये जमीन हो गई, जो लॉकडाउन लगा तो मार्केट बंद, अब यहाँ 250-300 लोग रहते परमानेंट, उनकी सब्जी की समस्या थी, तो मैंने पहले ही सब लगवा रखी थी, लॉकडाउन के पहले मैंने व्यवस्था बना दी, सारी सब्जियां थी, 1 पैसे सब्जी खरीदने किसी को जाना नहीं पड़ा, यहाँ का आदमी बाहर नहीं गया, बाहर का हमारे यहाँ नहीं आया, पूरा अनुशासन का पालन यही हुआ, कहीं नहीं हुआ, यहाँ हुआ। और लोगों को गाँव में भी बंटवा दी गई उस समय, तो कुछ कर्मचारी अधिकारियों ने कहा भाई तमाम मरीज आ गए, अभी 200-250 मरीजों को भोजन कौन देगा। तब उनको सतगुरु धाम याद आया कि वहाँ आश्रम है और वहाँ भंडारा चलता है, चलो उनको सूचना दे दी। जैसे अधिकारी ने सूचना दी, हमने कहा फौरन भोजन बना के ले जाओ, वहाँ बंटवा दिया गया, और कहा कि यहाँ भोजन गाँव का बटेगा। तो हमने कहा हमारा संगत का वाहन है, ले जाओ तो प्रेमियों को लाभ मिलेगा, तो वाहन दे दिया गया। कहा इसका खर्चा हमने खर्चा कुछ नहीं, वो खर्चा हमारी संगत बहन करेगी, क्योंकि संगत को लाभ मिलना चाहिए, तो संगत के धन से तो हो ही रहा था, मेरे पास कौन है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, ये कपड़े भी आप देते हो तो पहन लेता हूँ,
ये गाड़ी भी आपकी दी हुई, मैं पैदल चलने वाला, साइकिल से प्रचार करने वाला। कहा नहीं नहीं हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु परिवार में विघटन पैदा कर दिया, आप जितनी जल्दी हो सके बच्चों को देश में सुना दीजिए। तो आपने बहान दे दिया, इसी बहान में जो आपने एक दो दसवीं प्रचार दिया उसी का तेल डाल के मैंने हवन कर दिया। सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दिया, आपका उसमें लग गया, वो भी लाभ आपके खाते में, क्योंकि जो आपने दिया है मैंने बहुत संभाल के रखा है और जहां जरूरत वहीं पर खर्च किया और लोगों के सामने है सब, तो हमारे यहाँ कोई पर्दा नहीं, बिल्कुल सब खुला। पहले दिया तो ये जो आप दे रहे हो उधर वो बन रहा, वो निर्माण आपका हो रहा, कुछ यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने इच्छा व्यक्त की है कि हम आते हैं तो हमारे लिए कोई मकानगार हो जाए, तो हमने जमीन आपकी बना लीजिए, आप बना लीजिए जमीन तो आपकी, लेकिन शर्त यह है उसको कोई बेच नहीं सकता, यानी भविष्य में यह कौन हम बेचेंगे, तुम रहो तुम्हारे बच्चे रहे नाती पोते रहे, रहने के लिए है बेचने के लिए वो संगत की रहे। इसीलिए मैंने जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का निर्माण किया और उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया और उसमें आपका खाता खुल गया, जो भी देना हो उस खाते में, नहीं यहाँ आयो तो यहाँ दे दीजिए, मैं तत्काल तुम्हारे सामने लगा दूंगा, लेकिन बाकी किसी के नाम पैसा मत भेजना, वो पैसा मेरे तक नहीं आता है, आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा, इसलिए इशारे में आपको बताना पड़ा। वैसे मैंने कहा नहीं कभी ये बात, लेकिन जब नहीं आया, प्रेमी देते हैं उनका आते नहीं हाथ, सही काम में लगता नहीं है, तो मैंने कहा भाई किसी को देना मत, जो देना हो समिति का खाता उसमें भेजो, यहाँ आए हो तो यहाँ दोगे तो मैं आपके सामने लगा दूंगा। इतना बड़ा ये निर्माण देखिए, जो सालों में होता महीनों में हो गया, इसको भी लोग देख रहे हैं बड़ा आश्चर्यचकित, ये तो कई वर्ष लग जाते तभी ये नहीं बन पाता और दो महीने में कैसे हो गया। हमने ये प्रेमियों से पूछो, जिनका योगदान है, जिनका श्रम समय और पूंजी ये तीनों लगी हुई है, ये उनका है उनके लिए है, तो सब बात को समझ गए, अब इधर उधर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब यानी क्योंकि मैं अपने गुरु का प्रचार करता हूँ, ये सब हमारा प्रचार करते हैं, ये देखिए आप, तो हमने कहा भाई हमारा प्रचार तो तुम कर ही रहे हो, हमको अपना प्रचार नहीं करना, हम अपने प्रचार के लिए नहीं खड़े हुए, हमारा काम सदगुरु दयाल के वचनों के प्रचार का है, मैं वो पहले भी करता आज भी कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है जब आपने समझ लिया है देख लिया है कर लिया, सब तुम ही कर रहे हो, करने वाले तुम ही देने वाले तुम ही और उसका बरतने वाले भी तुम ही, दूसरा कोई थोड़ी होगा, तो देखिए वो आपका तैयार हो गया उधर, जो आप अन्न देते हो वो एक दाना खराब ना हो गोदाम की जरूरत है, क्योंकि बरसात में जो बड़ियों में अन्न नहीं रह पाता, लिहाजा सब खराब हो गया, सब कीड़े लग गए, हमने ऐसा करो इसे जल्दी से निकाल दो, नहीं एक महीने में सब आटे बन जाएगा, एक पैसा नहीं आपका निकलेगा, अभी आप इसको निकाल दो, जो पैसा उसको रखो, समय आने पर जो चीज नहीं होगी भंडारे में वो खरीद ली जाएगी, वो सब लगेगा, अगर कैसे भी हो आप पर लगेगा, मैं केवल आपके पैसे का सुपरविजन करता हूँ, देख रहे कि भाई सही जगह प्रयोग हो पूरी जगह, बाकी सब आपको आपके सामने, इसको तो समझना ही चाहिए आपको। अब देखो लोगों ने एक दिन में आलू लगा दिया, अब ये सब्जी आपकी तैयार हो जाएगी, सब्जी की कमी भंडारे में नहीं रहे, और पैसा आपका बचेगा, जो पैसा बचेगा वो अन्य कामों में प्रयोग हो जाएगा, अभी ट्यूबवेल बनना है उसमें है, एक बड़ी टंकी बन जाए, क्योंकि पानी यहाँ सब लोग बहुत खराब करते हैं, जो नहाने जाता है इसे खोल दिया, एक बाल्टी में स्नान हो जाएगा सैकड़ों बाल्टी फैला रहा, तुमने भाई ये पहली बात आप समझ जाओ, नहीं समझोगे तो मैं कोई व्यवस्था बदल दूंगा। तो मैंने कहा भाई टंकी बनवा दो तो सीमित पानी मिलेगा, समय होगा दो घंटे सुबह, दो घंटे दोपहर, दो घंटे शाम, ये परमानेंट वाला काम खत्म, क्योंकि यहाँ 50,000 रुपये भी ला रहा, तुम्हारा पैसा सब उसी में जा रहा, और ये समझते नहीं कि हमारे पैसा खराब हो रहा, और भाई तुम जो देते हो उसी से तो पेमेंट किया जाएगा,
तो तुम अपने पैसे कीमत क्यों नहीं समझते हो? जरूरत भरा प्रयोग कीजिए। ये जल देवता है, तुम्हें मालूम नहीं है आगे मिल नहीं पाएगा। आगे जमीन अगर धरती माँ ने पानी खत्म कर दिया तो सब मर जाएंगे, बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा काम कोई कम यानी मत करो जिससे किसी को कोई निर्णय लेना पड़े, वो निर्णय तुम्हारे हानि में चला जाए तो फिर फायदा क्या होगा। जय गुरुदेव। अब जो जाने वाले हो मैं उनसे अभी अंदर में मिलूंगा। वैसे आप आए हो तो कुछ सेवा करो, कुछ दिन रहो, देखो तो ये तुम्हारा बनना है। लोग पूछेंगे तो तुम बता ही नहीं पाओगे। लोग कह रहे भाई कैसे तुम सत्संगी हो, तुम्हारे यहाँ निर्माण करो, तुम जानते नहीं हो, तुम जाते नहीं कभी देखते हो। तो ये भी काम आपका, तो आए हो एक दिन दो दिन चार दिन जितना समय आप रही हो देखिए, और ये सब घूम के देखिए। जो कृषि कार्य करने वाले हैं जिनको अनुभव है तो जब घूम के देखोगे तो प्रेमियों को बता दो भाई ये फसल खराब हो रही है, इसमें इस समय खाद की या दवा की या इसकी उसकी जरूरत है, तो सबका सहयोग हो जाएगा। ये सब देखिए आप, यहाँ आए हो तो कुछ ना कुछ करो, पड़े रहोगे तो ये कर्जा लग जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत खराब धंधा था, जिसका भूत उतर गया वो पैसे देता है, बीमारी चली गई वो देता है, शादी ब्याह हो गया वो देता है, और कोई मुकदमा के जीत गया वो देता है, तो बड़ा खराब धंधा था। इसलिए मैंने कहा भाई इस धन को मत लेना, लोगे तो तुम्हारा भारी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा है नहीं का है, वो भी ऐसे लोगों का जिनका काम कहीं नहीं हुआ, उनका हो गया तो उसी खुशी में बेचारे वो दे जाते, और वो अगर आपने चोरी कर लिया तो मेरी चोरी तो कोई कर नहीं सकता, क्यों मेरे पास है ही नहीं कुछ। ये संगत की चोरी कितनी खराब है, गुर से कपट, संगत से चोरी, और की हुए निर्धन की हुए कोढ़ी। तो ये तो सूत्र आपको यानी अपना धन कोई चुराए, कौन सी बुद्धिमानी, तो तुम्हारा ही है, तुमने दिया तुम्हें चुरा लिया, तो इसमें हमारा क्या किया, हमारा कोई नुकसान थोड़ी किया। आपने संगत का, संगत ने किस भाव में दिया और तुमने क्या किया, इस बात को जब नहीं समझ पाए तो इससे ज्यादा उनको क्या समझाया जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवा में चलो, कुछ न कुछ आए हो तो जरूर करो। देखो सीतापुर के लोगों को अपने आप को बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए, तुम्हारे जिले में असंभव है, तुमको तो खुशी होनी चाहिए। तो सीतापुर के लोगों को मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ गन्ना होता है, तुम लोग गुड़ ले आओ, गुड़ की सेवा करो, जो प्रेमी यहाँ काम करेंगे उनको सुबह नाश्ते में दे दिया जाएगा, या कभी कोई सब्जी वब्जी नहीं बनी तो गुड़ गुड़ रोटी खा सकते हैं, तो तुम्हारा इस सेवा में लगे। मैं तो गुड़ खाता नहीं हूँ, आप ये प्रेमियों के लिए, मैं ये प्रयोग कुछ नहीं करता हूँ, कोई मीठा सीठा, कोई घी तेल तला, कोई फल फ्रूट मेवा। अब आप ले आते हो तुम्हारा भाव रखने के लिए, तो एक आध पीस ले लिया तो आपका भाव बन जाता है, बाकी हमको उसकी जरूरत नहीं। मेरा तो वही एक रोटी तो भर एक सौ, मैं करूंगा क्या, लेके क्या करूंगा। तो ये आपको हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए। आप जब धीरे धीरे निर्माण कार्य हो रहा बना दिया जाए, मैं तो झोपड़ी में रहूंगा, मेरी तो झोपड़ी रहेगी। आपके लिए सोचता हूँ कि भाई अच्छी व्यवस्था हो जाए, तो जब आप लोग आते हो तो उसमें रहो, शर्त रखी तेरी बात नहीं लगाओगे, आएंगे कम से कम झाड़ू पोछा तो करेगा, बैठ के भजन तो करेगा, तो इसका भी लाभ तो तुम्ही को मिलेगा। तो ये दो शर्तें, देखो नहीं नहीं पैसा लगा हम ताला लगा देंगे, हम चाहे दो महीने बाद चाहे तीन महीने, तो गंदगी फैलाने के लिए नहीं दिया गया। तो वो जो प्रेमी रहेंगे जब तुम आओगे वो खाली कर देगा अपना, कि बात में कोई विवाद ना हो, मैं पहले रखूंगा। जय जय गुरुदेव।
से पूछ के करो, तो आपको मालूम हमें कोई जरूरत नहीं है। आप करते हो भाव में, लेकिन वो कुभाव में बदल जाता है, वो धन आपका खराब हो जाता है, क्योंकि मेरे तक तो नहीं आता वो। तो आपको इस बात को समझना चाहिए, आखिरकार जाता कहा। मैं जब मजदूरी आपको दे देता हूँ, फिर तो आपको सच्चाई ईमानदारी से काम करना चाहिए। हाँ, मजदूरी न मिले तो ठीक, भाई मैं मजदूरी नहीं देते, हम इसलिए ऐसा करते, तो वो पहले मैं कर देता हूँ। और फिर भी करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, फिर आप ये नहीं कर सकते ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये सब जानी। ये सब जब ही होगा जब आप तो करती नहीं, वो तो तुरंत अपना जजमेंट दे देती है, और बाद में लोग चिल्लाने लगते कि संभाल जीवात्मा की जाती, शरीर की संभाल नहीं। शरीर काल का है, जो जो आपने शरीर से किया उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन सत्संग में आए हो या सत्संग से जा रहे हो, तब कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी जीवात्मा की संभाल हो जाती है, क्यों, वो सत्संग से जा रहा। अगर यही दुर्घटना और कहीं हो जाती, कोई संभाल नहीं होती। बात को समझा करें, अब वो समझते नहीं भाई ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। एक पुरानी बही खोल दिया जाए तो कहोगे हुआ, हमने कहा तुम ही कहोगे ठीक है। अगर मान लीजिए पैर टूट जाए और वहां टूट जाए, ये फूट जाए, तो तुम एक मर जाते तो अच्छा था, तुम खुद ही ये कहोगे, तुम खुद ही ये कहोगे। इसकी सेवा कौन करेगा, पता नहीं कब तक जिंदा रहेगा, तमाम खर्चा इस पर हो जाएगा। तो आप निर्णय लेते हो, अगर वो पहले निर्णय हो गया तो कम से कम बच तो गया और चला गया, जीवात्मा की समान हो जाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे पूछा जाए भाई तुम किसके लिए आए हो, कहते मैं सत्संग में आया, गुरु जी के लिए आया हूँ। किसके लिए मर रहे हो, कहना गुरु के लिए। बताओ जो गुरु के लिए मर रहा उस गुरु का कर्तव्य क्या, उसकी जीवात्मा की संभाल करना। अब आप क्या क्या करके उससे ज्यादा, कितने को एक्सीडेंट तुमने किया है, कितने को मारा काटा तुमने है, सताया तुमने है, तो वो तो पढ़ना, यानी जजमेंट तुम्हारा पहले ही का। उसमें समान गुंजाइश ये हो जाती है कि अगर सत्संग से जा रहा या सत्संग में आ रहा, पूरा होने का समय आ गया और वो जो करके आया उसका फल भोगने का समय आ गया, तो शरीर का भुगतान तो आएगा, अगर नहीं होगा तो कर्जा बना रहेगा। आत्मा की संभाल हो जाती है, ये सबसे बड़ा काम, यही तो असली काम है। शरीर तो वैसे भी नहीं रहेगा, वैसे तुम जला दोगे, गड्ढा खोद के गाड़ दोगे, बालू बांध के फेंक दोगे, तुम भी तो नहीं संभाल के रखोगे इसको। तो बात को समझना चाहिए। जय गुरुदेव। तो मालिक से प्रार्थना की जा रही है कि आपके कार्यक्रम में आया था और उसका समय पूरा हो गया, समय पूरा होने का था लेकिन कार्यक्रम से जा रहा या कार्यक्रम में आ रहा, इसके बीच का वो उसकी करनी का फल है, उसको पूरा करा दिया गया, नहीं ये कर्जा बना रहता। तो का वो पूरा हो गया लेकिन हो गई, क्योंकि सत्संग में आ रहा या सत्संग से जा रहा। इतना बड़ा लाभ फिर भी देखिए, अगर और न तो कोई समान नहीं होती, कोई बचा ही नहीं सकता। तो बात जब रखोगे तो अंदर में कोई संदेह भोल भ्रम नहीं आ सकता। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए सेवाओं में, इधर भी ये सब, तो सब लोग चलो उधर, दो घंटे आधा घंटे 20 मिनट 15 मिनट जितना तुम्हारे से हो सके उतना करो। जो सरल सरल सेवा वो ले लो, कुछ नहीं तो आप देख सकते खड़े होकर, देखने में भी अरे भाई यहाँ डालो यहाँ डालो, तुमने गलत जगह डाल दिया और ये इकट्ठे हो गया और ये बराबर कैसे होगा, ये भी तो सेवा है। सेवा तो बहुत तरीके की और आपको करना चाहिए, जब सेवा करोगे तभी तो कुछ कर्म कटेंगे, इसीलिए आपको बुलाया जाता है। और इसीलिए मतलब ये सेवा यहाँ रखी जाती कि कैसे क्या हो कैसे क्या हो। वाणी भी बिगाड़ बनाओ से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, क्या बिगड़ रहा क्या बन रहा, वैसे जिम्मेदारी है तुम्हारी। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कुछ के
कर्म करके बनाने में और कुछ के कर्म करके बिगाड़ने में। तो बिगाड़ बनाओ जब कर्मों के उद्धार की रीति नीति है तो उसमें आपको सोचना नहीं चाहिए कुछ। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में, जो कोई इमरजेंसी में जाना चाहता हो मैं अभी आप उससे मिलूंगा। अभी मिल लीजिए, आप प्रसाद लीजिए, चले जाइए। आप जाओगे दूसरे आ जाएंगे, क्योंकि परिवार के सभी लोगों को आना, आप नहीं जाओगे दूसरा कैसे आए। यहाँ से जाओ दूसरों को भेज दो, वो भी सत्संग सुने, भजन करेंगे, सेवा करेंगे। तीनों काम यही हो रहे हैं और कहीं नहीं होते। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहे, केवल नैमिषारण्य की तपोभूमि पर हो रहे। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव। देखो भंडारा सबसे बड़ी बात है, ये रोटी बड़ी कठिन है, क्योंकि लाखों लोगों ने अन्न दिया, पता नहीं कौन किस भाव में देता है। तो आप रोटी जो खाओ तो कुछ ना कुछ सेवा जरूर करो, ताकि रोटी का कर्जा न चले। तुम यहाँ बड़े बड़े खाते रहोगे तो कर्जा लाद के चले जाओगे, फिर सत्संग में आने का मतलब क्या हुआ? और कर्जा कहीं तुम उतार नहीं पाओगे। वो केवल रास्ता है परमार्थ का। जब परमार्थी सेवा में लग जाओगे तो धीरे धीरे सब उतर जाएगा आपको। तो ये तरीके रखे जाते हैं। ऐसे कोई सेवा न हो तो बेचारा यहाँ आएगा तो करेगा क्या? तो कोई ना कोई सेवा आपकी रख गई। अब आपके पास आलू इतना हो गया, ये पूरा है उधर गोदाम के पीछे, आपका जो खेत तुम्हारा है उसमें भी पूरा। अब ये जल्दी से तैयार हो जाएगा तो हम सोचते हैं कुछ कच्ची फसल प्रयोग हो जाएगी, ये पक्की रहेगी। इसको कोल्ड में रख दिया जाए, अब की बार आपने नुकसान कर दिया। मैं बराबर कहता रहा, अरे भाई जितना प्रयोग उतना करो, तुम्हारे पास हरी सब्जी तैयार है, अब हरी सब्जी के आगे इसको कोई नहीं खाएगा, तो आपने नुकसान कर दिया। तमाम आलू सड़ गया, तमाम प्याज आपने सड़ा दिया, लेकिन अब की बार ऐसा काम नहीं होगा। मैंने वो तुम्हारा देखा, भाई तुम कर सकते हो कर लो, तुमने कुछ किया नहीं, अब मैं व्यवस्था बदल दूंगा, थोड़ा बहुत रखूंगा, बाकी हरी सब्जी है इनका प्रयोग कीजिए। ये आलू सुरक्षित रख दिया जाएगा। आलू की ऐसी सब्जी है कि बारह महीने चलते, जरूर समझो, अपना कोल्ड से निकाल लो, प्रयोग करो तो एक भी आलू खराब नहीं होगा। अब की बार कम से कम 10 लाख का आलू होता तो आपने नुकसान कर दिया। वो 10 लाख रुपए बचता या निर्माण कार्य में लग जाता, कोई जमीन अमीन बिक्रे उसको। आपके पास रास्ता नहीं था कहीं से, ये रास्ता आपके पैसे से खरीदा गया। जबकि रास्ते की बात अगर सुनो तो हिंदुस्तान में जितनी सड़कें रास्ते बगैर टैक्स के कोई नहीं, जब बनते तभी टैक्स लेते, जब चलोगे तभी टैक्स पड़ेगा। जरा इस रास्ते की बात सोच लीजिए आप, ये प्रेमियों का कैसी जगह लग गया, इस पर से तो लाखों लोग गुजरेंगे। तुम्हारी गाड़ी कमाई के बने सड़क पर लाखों लोग गुजरेंगे चलेंगे, कितना बड़ा लाभ तुम्हारे खाते में होगा, ये समझना चाहिए लोगों को। तो ये आपने ले ली, अब आपके पास रास्ता हो गया। रास्ता हो गया, कितने लोग आए जाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आपको। तो जरूरत समझा जाता वहीं पर, धन खर्च करके आपकी व्यवस्था बना दी जाती, तो वही कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अपने पास पानी का साधन कम है तो एक ट्यूबवेल होना है, उसकी व्यवस्था होनी है। इसके बाद हम सो रहे एक बड़ी सी टंकी बना दिया जाए, वहीं से पानी की सप्लाई हो जाए, तो पानी का दुरुपयोग नहीं होगा। जो आप दुरुपयोग कर देते हो वो नहीं होगा। तो जो भी यहाँ किया जाएगा वो लाभ के लिए किया जाए, तुम्हारे पैसे का सदुपयोग हो, अच्छी अच्छी जगह लगे, तुम उसका लाभ उठाओ, आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग उससे लाभ उठाए। उसको कहते हैं परमार्थी सेवा, वो आपको उसमें लग जाता। जय गुरुदेव। अब आप भंडारे की बात यह है कि जितना पर आप लो जितना खा सको, जब वो महाप्रसाद है तो आप नाली में फेंक देते, तुमको यही नहीं मालूम कि हम ये कर क्या रहे, अपने नुकसान करते हो, किसी का नहीं है, किसी और का तो यहां आता नहीं, सब प्रेमियों का आता है, और तुम्हारा ही है। तुम ही नुकसान करोगे तो दूसरे को तुम नुकसान से कैसे मना कर सकते हो, ये बात को सोचना चाहिए। और परोसने वालों को चाहिए
अगर वो तीन बार मांगे तीन बार दो, लेकिन एक बार की मत इतना ढेर सफर हो तो खाई नहीं पाए, फिर वो इधर उधर फेंकता घूमता है। जब मैं रात में निकलता हूँ तो देखता हूँ तुम्हारी झोपड़ियों के आस पास रोटी पड़ी, कोई चावल पड़ा, ये आप करते हो। ऐसा नहीं आपको देखा नहीं जाता, सब देखा जाता। ऐसा कोई काम मत करो, अन्य देवता है। आगे का समय बहुत खराब है कि अगर रोटी का टुकड़ा नाली में पड़ा होगा तुम नजर बचा के उठा के खा लोगे, ऐसी स्थिति आई। अन्य और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे न मिलेगी। ऐसा आएगा तुम्हारे कर्मों का नजारा और सुनते तो जाओ संदेश हमारा। ये सब आपको जानकारी पहले से पहले दी गई, तो कम से कम तुम्हें तो सचेत रहना चाहिए। तुम्हें तो कोई काम ऐसा न करो जिससे तुम्हारे धन की बर्बादी हो, तुम्हारे अन्न की बर्बादी हो और बाद में तुम्हारे कर्मों का निवारण भी न हो पाए, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। समझा करो बात को। जय गुरुदेव। तो आप चलिए सेवा में, जो जाने वाले हो मैं भी उनसे मिलूंगा, क्योंकि कोई इमरजेंसी है, कोई छुट्टी उट्टी कम है तो मतलब नहीं, जा भी सकते हो, ऐसा नहीं है। और जाओ और पीछे से और लोग आ जाएंगे, जब तुम जाओगे तो घर से परिवार से दूसरे लोग आ जाएंगे, क्योंकि ये सबको मिलना चाहिए सत्संग। क्यों घर में आप ये तीन काम नहीं कर पा रहे हो, ना तुम भजन सही करते हो घर में, सत्संग तो है ही नहीं और सेवा भी कोई नहीं। वैसे तो सेवा परिवार की करते हो, बाल बच्चों की सेवा करते हो, तुम्हारी स्वार्थ की सेवा, देश समाज की वो भी स्वार्थ, हमारा मान हो, हमारा नाम, हमारा सम्मान हो, लेकिन यहाँ परमार्थी सेवा। जिन लोगों ने आलू गाड़ा, क्या वो कहेंगे कि हमको आलू खाने मिलना चाहिए? ये उद्देश्य उनका नहीं, केवल आदेश मिला और करके चले गए। तो कहने का मतलब यहाँ जो भी आप करोगे उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं, ये परमार्थ के लिए है। और यही समझ करते भाई आदेश मिला है सेवा करता हूँ, बाकी हमको थोड़ी हुई कि हम यहाँ आएंगे तो हम ही खाएंगे, या नहीं आएंगे तो हमारा हिस्सा रखा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सब अंदर से विचार निकाल दीजिए, ऐसा काम करो कि अपना भी भला हो दूसरे का भला हो। ये भाव विचार जब रहेगा तो तुम्हारा नुकसान कहीं नहीं होगा, और दूसरे का बुरा चाहोगे तुम्हारा पहले ही हो जाएगा। वो तो प्रकृति तो सब देख रही है ना। जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी बड़ी सेवा देख लो, कौन सी सेवाएं, बहुत सी सारी सेवाएं हैं, कोई मतलब यानी चुन लो, कुछ नहीं तो वहां खड़े हो जाओ। जो लोग भरते हैं एक हाथ लगा दिया उनके सर पहुंचा दिया, ये तो सेवा, ये भी आप कर सकते हो। उठाने की सेवा, ले जाने की सेवा, भरने की सेवा, पहुंचाने की, बहुत सेवाएं हैं, एक तरह की नहीं है। जय गुरुदेव। कर रही है।